हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए सो क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। सो अपनी अमेंडमेंट सीरीज चल रही है बच्चे। सो अमेंडमेंट सीरीज है, अमेंडमेंट कम रिवीजन सीरीज आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? और आज हम इसमें आपको कराएंगे इंड एएस 28, इंड एएस 28। क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। सो बच्चे, जो आपका अमेंडमेंट हैंडआउट है, आई होप सो अभी तक आपने उसका प्रिंट ले लिया होगा। उसके अंदर बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, वो हैंडआउट भी हम देख लें एक बार। ये रहा आपका अमेंडमेंट हैंडआउट, 200 पेज का हैंडआउट है। मैंने कहा है सॉल्व है ना, तो सॉल्यूशन के कारण आपको ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज इतने ज्यादा नहीं है, सॉल्यूशन के कारण आपको ज्यादा लग रहा है। आई थिंक जो सबसे ज्यादा चेंजेस इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में किए हैं वो इंड एएस 28 में किए हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। सो पहले मैंने सोचा था कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स करा दूं, बिकॉज हमने तो इंड एएस 28 ऑलरेडी क्लासेस में किया हुआ है, पर उस पे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस बहुत कम थे पहले। मैं हमेशा आपको क्लास में भी शायद मैंने बोला होगा कि एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स के ऊपर इंस्टीट्यूट ने कुछ ज्यादा क्वेश्चन डाले नहीं, तो इंस्टीट्यूट को भी इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी डाले हैं स्टडी मटेरियल में। तो आई थिंक जो सबसे मेजर चेंज है वो इंड एएस 28 में ही इन्होंने किया है, अमेंडमेंट नहीं है, माफ करिएगा, ये तो पूरा हमने किया हुआ है, पर हम सिर्फ उतने ही कॉन्सेप्ट बच्चे डिस्कस करते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में होते हैं। पूरे इंड एएस कराने जाएंगे तो एक एक इंड एएस करने में आपको एक महीना लग जाएगा, इस बात को समझिए, इतने बड़े बड़े इंड एएस हैं। अब इंस्टीट्यूट ने इंड एएस 28 में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स डाल दिए हैं, ये पहले भी थे पर आपके स्टडी मटेरियल में नहीं थे, तो ये टेक्निकली दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, दिस इज एडिशन, कि सिलेबस में कुछ एडिशन किया गया। क्या अब इंस्टीट्यूट चाहता है कि इनको एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स को लेके कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स करा दीजिए? हमने बच्चे ऑलरेडी क्लास में ये इंड एएस किया हुआ है आपके सामने, इंड एएस 28, यही आपने क्लास में मेरे साथ पूरे का पूरा डिस्कस किया हुआ इंड एएस 28। सो पहले मैंने सोचा था कि बच्चों ने तो ये किया हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देता हूं, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं, प्लस जो हैंडआउट में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो करा देता हूं। पर बच्चे द थिंग इज के इतने माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस हैं कि अगर मैं बीच बीच में कराना शुरू करूंगा तो दिक्कत आएगी। सो आई हैव डिसाइडेड कि हम पूरा इंड एएस 28 दोबारा कर लेंगे, पूरा इंड एएस 28 दोबारा कर लेंगे, बिकॉज था ही बहुत छोटा सा, एक ही लेक्चर में खत्म हो गया था पिछली बार। दूसरे लेक्चर में तो हमने मेनली उसके क्वेश्चंस ही किए थे, सो एक ही लेक्चर में ये टेक्निकली खत्म हो गया था पिछली बार, तो छोटा सा था, सो कहां मैं बीच बीच में चीजों को एडजस्ट करता रहूंगा, तो बेटर है हम पूरे का पूरा इंड एएस 28 अब दोबारा ही कर लेंगे। क्लियर है? सो हम बीच बीच में चीजों को एडजस्ट नहीं करेंगे, पूरे का पूरा इंड एएस 28 हम लोग अब दोबारा करेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? सो इंड एएस 28 से स्टार्ट कर रहा हूं। सर ये लेक्चर लगाने से पहले कुछ प्री नॉलेज चाहिए ना, थोड़ा सा कंसोलिडेशन याद होना चाहिए बस, क्योंकि मैं तो ये पूरा ही दोबारा कराने वाला हूं, तो जब पूरा ही कराने वाला हूं तो मतलब मैं तो सारी चीजें दोबारा ही समझाने वाला हूं, ठीक है? पर क्योंकि ये इंड एएस 28 इंड एएस 10 की एक्सटेंशन होती है, तो इंड एएस 10 के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यहां यूज होते हैं और इतने आपको याद होते हैं क्योंकि वो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, गुडविल कैसे निकालना है, ये सब चीजें, अगर मुझे समरी ऑफ नेट एसेट्स बनाना पड़ जाए तो वो कैसे बनाना है, वो सब आपको याद होते हैं। क्लियर? सर जो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं सर, क्या वो भी आप दोबारा कराओगे? सर नहीं, वो तो किए हुए हैं, वो नहीं कराऊंगा दोबारा, उनमें जो अगर कोई चेंज है तो वो जरूर डिस्कस करूंगा, पर कुछ चेंज ज्यादा है नहीं, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है वो मैं बता दूंगा कि जो क्वेश्चंस अपने क्लास में किए हुए हैं उसमें ये चेंज कर लीजिएगा बस। तो जो क्वेश्चंस अपनी ऑलरेडी मेन बुक में हैं वो तो अपने किए हुए हैं, सो वो दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, हैंडआउट में, इसके हैंडआउट में काफी सारे क्वेश्चंस हमने दिए हैं,
हैंडआउट के अंदर ही इसके काफी सारे, और ये सारे इंस्टीट्यूट के हैं जी, मेरे नहीं है, हैंडआउट में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ये टोटल टोटल इंडेस 28 के हैंडआउट में लगा लीजिए कितने 15 क्वेश्चंस हैं शायद, ये देखो 15 क्वेश्चंस हैं। ये 15 के 15 क्वेश्चंस मैं आपको दोबारा कराऊंगा, ठीक है। आपने क्या करना है, पुराना इंडेस 28 भूल जाना है, पहले मेरे साथ इंडेस 28 करिए, ये 15 के 15 क्वेश्चंस करिए, फिर जो ऑलरेडी क्लास में क्वेश्चंस किए हुए हैं बुक के वो पढ़ लीजिए, दैट्स इट। समझ आ गया क्या करना है? दोबारा बोल रहा हूं, पहले मेरे साथ इंडेस 28 दोबारा कर लीजिए, ये 15 के 15 क्वेश्चंस कराऊंगा, ये सारे कर लीजिए, फिर ऑलरेडी क्लास में इंडेस 28 के जो क्वेश्चंस किए हुए हैं वो तो रेफर करने ही पड़ेंगे ना, वो थोड़े ना छोड़ने हैं, जो ऑलरेडी किए हुए वो थोड़ा छोड़ने हैं, ये तो एडिशनल है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया कैसे करना है? इंडेस 28 का कॉन्सेप्ट और टेक्स्ट प्लस एग्जाम्पल्स जो ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं अब वो नहीं देखने, क्योंकि वो तो मैं सारे नए करा रहा हूं, पर जो बुक के क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं वो तो करना ही है ना, वो जो ऑलरेडी किया हुआ है वो तो एप्लीकेबल है, प्लस ये एक्स्ट्रा है। अब इंडेस 28 में मैं एक्स्ट्रा कराने की बजाय सारे दोबारा करा रहा हूं, बाकी इंडेस में मैं ऐसा नहीं करने वाला, बाकी इंडेस में मैं एक्स्ट्रा पोर्शन ही डिस्कस करूंगा, तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें इतने चेंजेस कर दिए कि मैं कहां बीच बीच में एडजस्ट करता फिरूंगा, इसलिए इंडेस 28 पूरा ही दोबारा हो रहा है। समझ गए ना क्या करना है? फिर बता रहा हूं, ऑलरेडी जो इंडेस 28 का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल किए हुए हैं वो छोड़ देने हैं, बस कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल सब कुछ नई तरह से होगा, प्लस ये 15 क्वेश्चंस होंगे, ये 15 क्वेश्चंस करके फिर जो ऑलरेडी क्लास में क्वेश्चंस किए हुए हैं वो रेफर कर लेने, वो नहीं मैं दोबारा कराऊंगा बिकॉज वो तो ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं। समझ गए? बाकी इंडेस में ये समस्या नहीं है, बाकी इंडेस में तो अपन जो एक्स्ट्रा पोर्शन इंस्टीट्यूट ने डाला है वही डिस्कस करेंगे, प्लस पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इसमें डाले गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर इंडेस 28 मुझे बच्चे दोबारा कराना पड़ेगा, मैंने बहुत सोचा कि किसी तरीके से मैं इसको बीच में एडजस्ट कर दूं, पर वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है जी। बढ़िया है जी, आपकी रिविजन भी हो जाएगी। चलिए जी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स, तो हमेशा की तरह पहले हम थोड़ी देर लिखेंगे। काफी टेक्स्ट पुराना ही होगा, जो चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं वो तो पुरानी होंगी, उसमें जो एडिशंस करने हैं वो एडिशंस मैं करता चला जाऊंगा। लिखिए जी थोड़ी देर पहले, फिर इसको समझाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, दोबारा लिखना है, पुराने टेक्स्ट में चेंजेस ना करते रहना, फिर बहुत ज्यादा आपको ओवर राइटिंग या कटिंग्स वगैरह, आपके पास जगह भी नहीं होगी लिखने की। दोबारा लिखना है, ये ना करना कॉपी खोल के बैठ गए, ये तो ऑलरेडी लिखवाया हुआ है तो इसी में मैं चेंजेस कर लेता हूं, वो गंदगी हो जाएगी। इंडेस 28 दोबारा करना है। लिखिए जी मीनिंग ऑफ एसोसिएट, लिखिए। तो हमारा स्टाइल होता है पहले थोड़ी देर लिखते हैं। एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मेरा टारगेट है कि पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन के रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस किए जाएं। एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, पॉइंट नंबर टू। मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो ऐसा ही लिखते हैं इसको। लिखिए, ऐसा ही मीन्स पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑब्लिक और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ अनदर एंटिटी बट इज नॉट कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल बट इज नॉट कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल, पॉइंट नंबर थ्री।
होल्डिंग ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी इंडिकेट्स पावर टू पार्टिसिपेट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड. होल्डिंग ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर इंडिकेट्स पावर टू पार्टिसिपेट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड. कन्वर्जली द होल्डिंग ऑफ 20% वोटिंग पावर मीन्स नो पावर टू पार्टिसिपेट मीन्स नो पावर टू पार्टिसिपेट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड. लेस देन 20% वोटिंग पावर मीन्स no power to participate unless otherwise proved. लिखिए जल्दी, समझाएंगे, सारा समझाएंगे, बस लिखते चले जाइए. नोट लिखिए नीचे. सच 20% वोटिंग पावर कैन बी अक्वायर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी. कैन बी अक्वायर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी फुल स्टॉप. शेयर्स हेल्ड बाय एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स ऑफ आर एसोसिएट या एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स ऑफ इन्वेस्टर आर नॉट कंसिडर्ड. शेयर्स हेल्ड बाय एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स ऑफ इन्वेस्टर आर नॉट कंसिडर्ड. शेयर्स हेल्ड बाय एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड. पॉइंट नंबर 4. एक सेकेंड. पोटेंशियल वोटिंग राइट्स. पोटेंशियल वोटिंग राइट्स लिखिए. वोटिंग राइट्स ऑल्सो इंक्लूड Voting rights also includes potential voting rights like options, warrants. Voting rights also include potential voting rights that are currently exercisable, that are currently exercisable
एंड आर नॉट डीपली आउट ऑफ द मनी दैट आर करंटली एक्सरसाइजेबल एंड आर नॉट डीपली आउट ऑफ द मनी. In assessing potential voting rights, we need not to consider the intention of management. And the financial ability to exercise potential voting rights. We need not to consider the intention of the management and the financial ability to exercise the potential voting rights. लिखिए लिखिए समझाएंगे. पॉइंट नंबर पांच. फॉलोइंग can also be the evidence of significant influence. Subpoint A. Representation in the board of directors. B. Participation in policy making. C. Exchange of technology between investor and investee, which is material for entities, D. Interchange of managerial persons. E. Dependence on goods produced and services rendered by other entity which are material for first entity. Dependence on goods produced and services rendered by other entity which are material for first entity. लिखिए जी जल्दी. सो पहले हम यहां तक की बातों को समझेंगे, फिर इसके बाद की बातें स्टार्ट करेंगे. तो पहले बच्चे इंडिया 28 बहुत छोटा सा था, अभी इसको काफी बड़ा कर दिया गया है. आइए जी, काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें और भी डाल दिए गए हैं. तो आपको शायद पता लग गया होगा, मैंने इसी के बीच में भी 3-4 बातें नहीं लिखवाई हैं जो पहले नहीं थी, ठीक है ना. सो वो छोड़ दीजिए, अब आपने पुराना पढ़ना ही नहीं है इंडिया 28, आपने ये इंडिया 28 पढ़ना है बस.
ओके है जी। सो आई होप सो आपने लिख लिया होगा। सो आइए अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं, है ना। सो पहले भी समझा हुआ है, सो इतनी ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सो बच्चे टॉपिक चल रहा है मेन हमारा कंसोलिडेशन, और आपको पता है कंसोलिडेशन में सबसे पहले कंसोलिडेशन होता है किसका, सब्सिडरीज का। और सब्सिडरी के कंसोलिडेशन में दो इंड एएस काम करते हैं, इंड एएस 113 और इंड एएस 110। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन पे लगता है इंड एएस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, और उसके बाद कंसोलिडेशन के लिए लगता है इंड एएस 110 दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट कंसोलिडेशन में ही एक दूसरा इंड एएस आता है, कौन सा, इंड एएस 28, जो कहता है कि आपको कंसोलिडेशन करना होगा किसका, आपको कंसोलिडेशन करना होगा एसोसिएट्स का, प्लस आपको कंसोलिडेशन करना होगा किसका, जॉइंट वेंचर्स का। तो इस इंड एएस में हम जॉइंट वेंचर्स के बारे में ज्यादा डिस्कशंस करते नहीं हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर का जो मीनिंग वगैरह मेनली है वो इंड एएस 111 में कवर्ड है जॉइंट अरेंजमेंट्स के अंदर। तो जॉइंट वेंचर की सारी बातें हम इंड एएस 111 के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां क्या पढ़ते हैं कि अगर एसोसिएट्स में आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उन एसोसिएट्स का कंसोलिडेशन कैसे किया जाएगा। तो थोड़ा सा टच अपॉन मैं जॉइंट अरेंजमेंट को भी दे दूंगा, जॉइंट वेंचर्स को भी थोड़ा सा दे दूंगा, पर वो हमने ऑलरेडी जॉइंट अरेंजमेंट इंड एएस 111 के अंदर पढ़ लिया होता है, ठीक है। तो एसोसिएट्स के बारे में चर्चा होगी, सब्सिडरीज क्या होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। तो इंड एएस 110 कहता है कि अगर आपकी कोई सब्सिडरी है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। पर बच्चे सिर्फ सब्सिडरी के लिए नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसोसिएट्स के लिए भी बनते हैं, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जॉइंट वेंचर्स के लिए भी बनते हैं। दोनों के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। सर हमारी सब्सिडरी नहीं है, हमारी एसोसिएट है अकेली, क्या हमें तब भी कंसोलिडेशन करना है? जी हाँ, इवन कंपनीज एक्ट भी कहता है आपकी कल्ली सब्सिडरी है कंसोलिडेशन होगा, आपकी कल्ली एसोसिएट है कंसोलिडेशन होगा, आपका कल्ला जॉइंट वेंचर है कंसोलिडेशन होगा। सो तीनों मिल जाएं, दो मिल जाएं, तीनों में से एक मिल जाए तो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। बस फर्क इतना है कि सब्सिडरी का कंसोलिडेशन होता है एज पर इंड एएस 110, पर एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स का कंसोलिडेशन होता है एज पर द इंड एएस 28। क्लियर है, यही अंतर है। तो अब हमें सीखना होता है कि एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स का कंसोलिडेशन कैसे किया जाता है, पर वो तो बाद की बात है। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ये एसोसिएट होता क्या है। मैं फिर कह रहा हूं जॉइंट वेंचर हम यहां नहीं पढ़ते, ये हम इंड एएस 111 के साथ पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ये एसोसिएट क्या होता है। तो एसोसिएट होता है बच्चे, मान लो एक इन्वेस्टर है और एक इन्वेस्टी है। इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टी मतलब जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी है। अगर इन्वेस्टर का इन्वेस्टी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम बोलते हैं कि ये इन्वेस्टी इस इन्वेस्टर का क्या है, एसोसिएट है। मतलब इस इन्वेस्टी का नाम क्या बन जाता है, एसोसिएट बन जाता है। सब्सिडरी का बनती है जब हमारा किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल होता है तो उसको हम सब्सिडरी बोलते हैं। पर अगर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के ऊपर क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो फिर उसको एसोसिएट बोला जाता है। सो एसोसिएट मीन्स एनी एंटिटी ओवर विच द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एनी एंटिटी ओवर विच द इन्वेस्टर हैज क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, क्योंकि कंट्रोल की तो बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा होती है। तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है बच्चे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। पावर टू पार्टिसिपेट इन
फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन। अगर आपके पास किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस या ऑपरेटिंग डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है तो हम कहते हैं कि आपका उस कंपनी के ऊपर इन्फ्लुएंस है। बच्चे, कंट्रोल का मतलब होता है चलाने की ताकत। जैसे गाड़ी का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ड्राइवर के हाथ में। देश का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? रूलिंग पार्टी के हाथ में, प्रधानमंत्री जी के हाथ में, उनके पास कंट्रोल होता है। ऑपोजिशन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पार्टिसिपेट, चिल्लाने की ताकत। पार्टिसिपेट क्या है? चिल्लाने की ताकत, कि वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर जरूरी नहीं है उनकी बात को सुना ही जाएगा, बिकॉज चलाता कौन है? जिसके पास कंट्रोल होता है। सो पावर टू पार्टिसिपेट एक लोअर पावर है, कंट्रोल चलाने की ताकत एक बड़ी पावर है। पार्टिसिपेट तो चिल्लाने की ताकत है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए, पर आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी ये मैटर नहीं करेगा। तो अगर आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है, किसमें पार्टिसिपेट करना है? कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस में, लोन वगैरह के डिसीजंस में, इक्विटी शेयर कैपिटल रेज या ऑपरेटिंग डिसीजन, जो भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग डिसीजंस होते हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना कि नहीं बनाना, ये प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चलेगा, इसमें पार्टिसिपेट करने की ताकत है। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, अगर आपके पास सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करने की ताकत है तो हम कहते हैं वो कंपनी हमारी क्या है? एसोसिएट है। तो एसोसिएट का मतलब क्या है? पावर टू पार्टिसिपेट। अगर किसी एंटिटी में हमारे पास पावर टू पार्टिसिपेट है तो वो एंटिटी हमारी क्या बन जाती है? एसोसिएट बन जाती है। क्लियर हो गई बात? तो दोबारा, तो इन्वेस्टर एसोसिएट मींस एनी एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एसोसिएट मींस एनी एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सच सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज अक्वायर्ड थ्रू पावर टू पार्टिसिपेट। Such significant influence is acquired through power to participate. और power to participate कैसे आता है? Now the question is कि आपने कह तो दिया कि power to participate significant influence है, अब ये power to participate कैसे आता है? तो बच्चे Ind AS 28 कहता है कि such generally voting power of 20% or more is considered as power to participate. मगर मतलब अगर आपके पास दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, पावर टू पार्टिसिपेट वोटिंग पावर है, 20% और मोर वोटिंग पावर है, और वोटिंग पावर किससे आता है? इक्विटी शेयर्स के जरिए आता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर है तो अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड ये मान लिया जाता है कि आपका उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। सर मतलब ये पक्का नहीं है कि 20% और मोर पे पावर टू पार्टिसिपेट होगा ही होगा। ना 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 ना, एएस कहता है, इंड एएस कहता है जनरली A voting power of 20% or more is considered as the power to participate. The word is generally, the voting power of 20% or more is considered as the power to participate unless otherwise proved. So paper के लिए तो ये benchmark ही समझ लो कि 20% और उससे ज्यादा power to participate और significant influence और वो हमारी associate बन जाती है, but practically वो कह रहा है ये possible है। जैसे मान लो आपके पास किसी कंपनी के 25% शेयर है, पर आप पे बैन लगा हुआ है कि आप उस कंपनी की एजीएम अटेंड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी के कॉम्पिटिटर भी हैं, मतलब आप भी वही काम करते हैं जो वो कंपनी काम करती है। अब आपके पास उसके 25% शेयर हैं, सो टेक्निकली तो ये पावर टू पार्टिसिपेट है, पर पावर टू पार्टिसिपेट करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उसके एजीएम अटेंड करने पड़ेंगे। वो कह रहे जी एजीएम अटेंड आप कर नहीं सकते, आप पे बैन लगा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे इसका आप 20% और मोर का? पावर टू पार्टिसिपेट तो चिल्लाने की ताकत है, और चिल्लाने की ताकत के लिए मीटिंग अटेंड करने की पावर चाहिए। तो सिर्फ 25% होने से जरूरी नहीं है कि पावर टू पार्टिसिपेट आएगा ही आएगा। हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है,
तो आप मान के चलिए 20% और उससे ज्यादा शेयर हैं तो पावर टू पार्टिसिपेट है, एसोसिएट है। पर अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि कोई ऐसी घटना घटित हो रखी है कि आप अपने पार्टिसिपेशन के राइट्स को एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते एक्सरसाइज, तो फिर वो आपका एसोसिएट नहीं माना जाता। इसलिए द वर्ड इज जनरली 20% और मोर इज कंसिडर्ड एज द पावर टू पार्टिसिपेट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया, ओके है। सो सिमिलरली वोटिंग पावर ऑफ लेस देन 20% मींस नो पावर टू पार्टिसिपेट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। मतलब ये हो सकता है कि आपके पास किसी कंपनी के 15% शेयर हैं, आपके पास किसी कंपनी के 15% शेयर हैं और आप उस कंपनी के सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, आपके पास किसी कंपनी के 15% शेयर्स हैं और आप उस कंपनी के सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, तो बच्चे आपकी पार्टिसिपेशन के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। सोचो, बिकॉज 15% से ज्यादा शेयर किसी के पास है ही नहीं, तो फिर इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। हालांकि आपके पास कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल के लिए तो 50% वोटिंग पावर कम से कम चाहिए ना, तो बाकियों को आपके साथ आना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं है पर इन्फ्लुएंस तो आप कर सकते हैं ना, बिकॉज आप सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। सो इवन दो लेस देन 20% बट स्टिल इट इज पावर टू पार्टिसिपेट। क्लियर हो गया। पेपर के लिए कुछ नहीं लिखा, 20% और मोर इज एसोसिएट, लेस देन 20% नो एसोसिएट। बट अगर स्पेशली क्वेश्चन ही इसके ऊपर आता है कि बताओ ये एसोसिएट है कि नहीं, फिर तो वो कुछ ना कुछ पंगे देगा। मोर देन 20% को भी हो सकता है वो एसोसिएट ना बनाए और लेस देन 20% को भी हो सकता है कि वो एसोसिएट बना दे। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। सो वोटिंग पावर और 20% और मोर इज पावर टू पार्टिसिपेट। इंड एएस कहता है ये जो 20% वोटिंग पावर है ये डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है थ्रू सब्सिडरी। सर मतलब इधर देखो, तो मान लो एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के 25% शेयर है, तो क्या वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड का एसोसिएट है? बिल्कुल है। ये होता है डायरेक्ट, कि आपने 25% शेयर डायरेक्ट खरीदे हुए हैं एक्स लिमिटेड के पास, वाई लिमिटेड के 25% वोटिंग पावर है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वाई लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ एक्स लिमिटेड। अब दूसरा देखिए, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के 70% शेयर है, Y लिमिटेड के पास Z लिमिटेड के 25% शेयर हैं। अब बताओ X के लिए Y क्या है? सब्सिडरी। X के लिए Y क्या है? सब्सिडरी, क्योंकि X के पास मोर देन 50% वोटिंग पावर है तो वो सब्सिडरी है। Y के लिए Z क्या है? एसोसिएट। अब बताओ क्या X के लिए भी Z एसोसिएट है? यस, एक्स के लिए भी जेड एसोसिएट है। और ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। तो अगर आपने सब्सिडरी के जरिए भी शेयर्स अक्वायर कर रखे हैं तो वो कंसिडर करे जाएंगे और उसको इनडायरेक्ट एसोसिएट बोला जाता है। क्लियर है। तो ये जो 25% है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है बट थ्रू सब्सिडरी। इनडायरेक्ट हो सकता है बट थ्रू सब्सिडरी। सर मतलब मान लो एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, जेड लिमिटेड है। एक्स के पास वाई के 25% शेयर है, वाई के पास जेड के 30% शेयर है। क्या वाई एक्स का एसोसिएट है? यस। क्या जेड वाई का एसोसिएट है? यस। अब बताओ क्या जेड एक्स का एसोसिएट है? नो, क्योंकि ये जो 30% है ये बीच में सब्सिडरी नहीं है। अगर आपने वो शेयर सब्सिडरी के थ्रू अक्वायर करे हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट एसोसिएट माना जाएगा, पर अगर आपने वो शेयर एसोसिएट के थ्रू अक्वायर करे हैं फिर वो आपका इनडायरेक्ट एसोसिएट नहीं माना जाएगा।
और देखिए, एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, जेड लिमिटेड है और ए लिमिटेड है। ध्यान से देखिएगा, एक्स के पास वाई के 70% शेयर है, एक्स के पास जेड के 30% शेयर है, वाई के पास ए के 10% शेयर है, एक्स के पास ए के 15% शेयर है, देखते जाओ, जेड के पास ए के 5% शेयर है। समझ गए? ओके है। हमें ए लिमिटेड के लिए देखना है कि ए लिमिटेड किसका क्या क्या है, बाकी तो नजर आ ही रहा है। एक्स और वाई क्या है? सब्सिडरी, बाकी तो सीधा ही है। एक्स और जेड क्या है? एसोसिएट। भाई एक्स के पास वाई में 70% शेयर है तो वो सब्सिडरी है, एक्स के पास जेड में 30% शेयर है तो वो एसोसिएट है। नाउ द क्वेश्चन इज ए। अब ध्यान से, ए लिमिटेड में एक्स वाई और जेड तीनों का हिस्सा है। एक्स का कितना है? 15%। वाई का कितना है? 10%। जेड का कितना है? 5%। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या एक्स लिमिटेड के लिए ए लिमिटेड एसोसिएट है? यस yes. और ये दो हिस्से देखे जाएंगे सिर्फ। टोटल मिला के कितना हिस्सा है? 25%। क्यों दो देखे? बिकॉज इधर देखो, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ए लिमिटेड। जेड तो हटा ही दीजिए, बिकॉज जेड एक्स की एसोसिएट है। एसोसिएट के जरिए जो हिस्सा अक्वायर किया गया वो नहीं देखना, एसोसिएट के जरिए जो हिस्सा अक्वायर करा गया उसको नहीं देखना है आपको। आपको सब्सिडरी के जरिए जो हिस्सा अक्वायर करा गया सिर्फ वो देखना है। तो एक्स का वाई में 70% हिस्सा है, वाई का ए में 10% हिस्सा है और एक्स का ए में 15% हिस्सा है। तो ध्यान से देखो, एक्स का टोटल ए में कितना है? 25% हिस्सा है। तो 25% के लिए ही आपको कंसोलिडेट करना है, इस 5% को आप कंसिडर नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बढ़िया पॉइंट है, नया पॉइंट है, पहले हम ऐसे पॉइंट्स की चर्चा नहीं करते थे। क्लियर हो गई बात? ये मैं एग्जांपल भी आपको लिखवा देता हूं, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये देखो, हमने इसके ऊपर बारे में ऊपर लिखा भी हुआ है, इधर देखिए, सच 20% वोटिंग पावर कैन बी अक्वायर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। शेयर हेल्ड बाय एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ इन्वेस्टर आर नॉट कंसिडर्ड। इन्वेस्टर का एसोसिएट, इन्वेस्टर के जॉइंट वेंचर ने अगर आपके एसोसिएट में कोई शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता। शेयर्स हेल्ड बाय एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ इन्वेस्टर आर नॉट कंसिडर्ड। यहां लिख लो, रेफर एग्जाम्पल वन। तो यहां पे एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, यहां लिख लीजिए, रेफर एग्जाम्पल वन, लिखिए जी एग्जाम्पल। सो ऊपर आपको पता नहीं लगेगा कि हमने इसके बारे में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बगल में लिखवा दिया, रेफर एग्जाम्पल वन, लिखिए एग्जाम्पल वन। ए लिमिटेड इट्स ए सब्सिडरी बी लिमिटेड एंड इट्स एसोसिएट सी लिमिटेड होल्ड्स 15%, 10% एंड 10% रिस्पेक्टिवली ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एसोसिएट एक्स लिमिटेड। सो इन दिस केस
A Limited shall consider the interest held by it and by its subsidiary B Limited. That is, total interest of 25%. It shall not consider the interest held by C Limited. It shall not consider the interest held by C Limited. So, ये same example मैंने लिखवा दिया है. लिखिए जल्दी. It shall not consider the interest held by C Limited. Clear हो गई बात? So A Limited लिख लिया होगा आपने. Subsidiary B Limited, associate C Limited. तो A की subsidiary है B, A का associate है C. यहां बनाते हैं A, B और C. तो ये सब्सिडरी है, ये इसका एसोसिएट है. होल्ड्स 15, 10 और 10 इन एक्स लिमिटेड. तो एक्स लिमिटेड में ए का हिस्सा कितना है? 15%, बी का 10%, सी का 10%. आप किस किस को कंसिडर करेंगे? सिर्फ इस 15% वाले को और 10% वाले को. तो टोटल इंटरेस्ट कितना है? 25%. मन में सवाल आएगा, ये 25% क्यों देख रहे हैं? तो आपको पता है, जब कंसोलिडेशन होता है तो एसोसिएट का 25% हिस्सा ही देखा जाता है, ठीक है ना? सो ये बाद में देखते हैं जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ी हुई है. तो ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आना चाहिए कितने परसेंट हिस्सा हमें कंसिडर करना है. सिर्फ वो वाला हिस्सा जो एसोसिएट के पास है, या सॉरी वो वाला हिस्सा जो इन्वेस्टर के पास है और इन्वेस्टर की सब्सिडरी के पास है, इन्वेस्टर के एसोसिएट या इन्वेस्टर के जॉइंट वेंचर के पास जो हिस्सा है उसको कंसिडर नहीं किया जाता. अगर ये लेस देन 20% होता तो ये एसोसिएट ही ना होता. मतलब ए और बी का मिला के अगर लेस देन 20% होता तो ये एसोसिएट ही ना होता. इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो ये एक बढ़िया पॉइंट है. किसी भी क्वेश्चन में समझ लो, तंग करने के लिए आपको ये पॉइंट डाला जा सकता है, ठीक है? बाकी ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो प्लीज पॉज करके इसको बनाना है तो बना लीजिए. चलिए, सो होप सो आपने लिख लिया होगा. सो बच्चे, ये जो एग्जांपल है ये तो सीधे ही है ना, ये वाला मैंने आपको लिखवा दिया तो ये तो नोट करना नहीं है. ये एग्जांपल वैसे ही सीधे हैं कि अगर आपने सब्सिडरी के जरिए बनाना है तो ये भी बना सकते हो. ये वाला कि अगर आपने सब्सिडरी के जरिए अगर एसोसिएट में हिस्सा खरीदा है तो वो आपका इनडायरेक्ट एसोसिएट माना जाएगा, ठीक है? तो ये बनाना है तो बना लीजिए कि अगर आपने सब्सिडरी के जरिए एसोसिएट में कोई हिस्सा खरीदा है तो वो आपका इनडायरेक्ट एसोसिएट माना जाएगा. क्लियर है? सो यहां तक की बातें एक बार पूरी पढ़ लेते हैं. क्या क्या लिखा है हमने? सो एसोसिएट क्या है? एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑब्लिक और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ अनदर एंटिटी बट इज नॉट कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल. अच्छा, ये भी है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सबसे लास्ट में आता है. सबसे पहले चेक करते हैं कंट्रोल तो नहीं है, बिकॉज अगर कंट्रोल है तो वो सब्सिडरी है. फिर चेक करते हैं जॉइंट कंट्रोल तो नहीं है, बिकॉज अगर जॉइंट कंट्रोल है तो इंडिया 111 लग जाएगा. अगर वो कंट्रोल भी नहीं है, जॉइंट कंट्रोल भी नहीं है, तब बारी आएगी किसकी? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की. जैसे मान लो आपके पास 45% शेयर है,
एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड के 45% शेयर है, तो 45% पे तो सब्सिडियरी भी हो सकती है, हमने पढ़ा हुआ है इंडिया से 110 में 50% का कोई बेंचमार्क तो है नहीं, तो 45% पे तो सब्सिडियरी भी हो सकती है। सो पहले आप चेक करिए कि कहीं आपका कंट्रोल तो नहीं है, अगर कंट्रोल है तो सब्सिडियरी है, फिर चेक करिए कहीं आपका ज्वाइंट कंट्रोल तो नहीं है, अगर ज्वाइंट कंट्रोल है तो वो ज्वाइंट वेंचर है या ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ज्वाइंट वेंचर है या ज्वाइंट ऑपरेशन है। अगर कंट्रोल भी नहीं है, ज्वाइंट कंट्रोल भी नहीं है, तब तीसरा काम आता है कि ये आपकी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट मानी जाएगी। सो आगे वही है, होल्डिंग ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी इंडिकेट्स पावर टू पार्टिसिपेट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। सो अगर आपके पास 20% या उससे ज्यादा हिस्सा है तो पावर टू पार्टिसिपेट माना जाएगा अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। कन्वर्जली होल्डिंग ऑफ लेस देन 20% वोटिंग पावर मीन्स नो पावर टू पार्टिसिपेट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। सो अगर लेस देन 20% वोटिंग पावर आप होल्ड करते हैं तो मतलब आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट नहीं है अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, ठीक है। फिर ये तो मैंने पढ़ाई दिया कि वो डायरेक्ट भी हो सकता है, सब्सिडरी के थ्रू भी हो सकता है, और अगर आपके एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर ने कोई शेयर हेल्ड करे हैं उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। अगली बात है जी पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, बड़ी चर्चा हो रखी है इस पे इंडिया से 110 के अंदर, फिर से एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, सो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होते हैं कि आज आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है पर आगे जाके आपको ये वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे या मिल सकते हैं। पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में, जिनमें आगे जाके आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे या मिल सकते हैं। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स में क्या आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, है ना, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर वारंट्स आते हैं। इंड एस 33 अर्निंग पर शेयर के अंदर हम डिटेल में इसके रिगार्डिंग बातें करते हैं, शेयर वारंट्स आते हैं, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, ये सारे के सारे पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं। सो मान लो आपके पास आज किसी कंपनी में 15% हिस्सा है, तो 15% इज नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, पर आपके पास ताकत है कि आप 10% हिस्सा और भी खरीद सकते हैं आज से 6 महीने बाद। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन टू परचेज अनदर 10% आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इस 10% को कंसिडर करा जाएगा? यस, इंडिया से 110 भी कहता है कि पोटेंशियल वोटिंग राइट्स आर कंसिडर्ड इफ दे आर करंटली एक्सरसाइजेबल। अब ये करंटली एक्सरसाइजेबल क्या मतलब था, ये मैं रिवाइज करा रहा हूं, ये नया नहीं है। 10% अनदर हिस्सा खरीदने की आपके पास ऑप्शन है, मान लो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स, और कोई भी मीटिंग कॉल करने के लिए कंपनी का रूल है कि 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आज भी कोई नोटिस दे तो कम से कम वो 3 महीने बाद ही मीटिंग होगी, और आपके पास 2 महीने बाद शेयर्स एक्सरसाइज करने का राइट है, तो क्या ये करंटली एक्सरसाइजेबल है? यस। सो इस पे बड़े सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हुए हैं, और भी कराऊंगा, इंस्टीट्यूट ने और भी ऐड करे हैं इंडिया 110 में कंट्रोल के रिगार्डिंग, कुछ और भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने ऐड करे हैं, सो और भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। सो 10% जो है वो करंटली एक्सरसाइजेबल होना चाहिए, तो ये देखना पड़ेगा कि पार्टिसिपेट करने के लिए मीटिंग बुलाने के लिए कितना समय देना है। मान लो मीटिंग बुलाने के लिए 1 महीने का समय देना जरूरी है, तब ये करंटली एक्सरसाइजेबल नहीं है, बिकॉज अगर आज कोई नोटिस दे दे तो 1 महीने बाद मीटिंग हो जाएगी, और आपके पास तो ऑप्शन है 2 महीने बाद, तब ये करंटली एक्सरसाइजेबल नहीं है। सो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स बिल्कुल कंसिडर होते हैं पर वो करंटली एक्सरसाइजेबल होने चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रैक्टिकल में कंसोलिडेशन करने के लिए 15% देखा जाएगा कि 25%? वो 15 ही देखा जाएगा, पर ये एसोसिएट माना जाएगा, क्योंकि देखिए ना, मीटिंग कॉल करने के लिए 3 महीने का नोटिस देना जरूरी है, 2 महीने बाद आपके पास ऑप्शन एक्सरसाइज करने का अधिकार है,
तो आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो आप इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो ना। बट अगर बीच में 31 मार्च आ गई और आपको कंसोलिडेशन करना पड़ा तो फिर 15% ही देखा जाएगा जब तक ये सच में एक्सरसाइज नहीं हो जाते। सो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम आएंगे कि आपका पावर टू पार्टिसिपेट है कि नहीं। प्रैक्टिकल समझ में नहीं काम आएंगे ये, प्रैक्टिकल में आपका हिस्सा 15% ही माना जाएगा। पर हां, टोटल मिला के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा, पावर टू पार्टिसिपेट माना जाएगा, एसोसिएट माना जाएगा, पर अकाउंटिंग करने के लिए 15% हिस्सा ही जोड़ा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना, कुछ नहीं नहीं अकाउंटिंग करने के लिए 15% हिस्सा ही जोड़ा जाएगा, ऊपर वाले 10% को कंसिडर अकाउंटिंग में नहीं किया जाता जब तक वो सच में एक्सरसाइज नहीं हो जाते। सो दीज शुड बी करंटली एक्सरसाइजेबल को मैंने रिवाइज करा दिया कि करंटली एक्सरसाइजेबल का क्या अर्थ होता है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। दूसरा, दीज शुड नॉट बी डीपली आउट ऑफ द मनी, है ना। जैसे मान लो कंपनी का करंटली शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपए, आपके पास ऑप्शन है शेयर खरीदने की 400 रुपए पे, तो मेरा दिमाग खराब है, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। बहुत क्वेश्चन किए हुए इसके ऊपर भी, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है भाई, कौन लेगा। तो इस तरह की ऑप्शंस को कंसिडर नहीं किया जाता। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स आर कंसिडर्ड इफ दे आर करंटली एक्सरसाइजेबल प्लस दीज शुड नॉट बी डीपली आउट ऑफ द मनी। एक चीज इसमें और जोड़ी गई है, इंड एस 28 कहता है कि पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कंसिडर करते टाइम दो चीजें नहीं देखनी। ये देखो, इन असेसिंग पोटेंशियल वोटिंग राइट्स वी नीड नॉट टू कंसिडर द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल अबिलिटी टू एक्सरसाइज द पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। दोबारा पढ़ो, ये नया पॉइंट है, दोबारा पढ़ो। इन असेसिंग पोटेंशियल वोटिंग राइट्स वी नीड नॉट टू कंसिडर द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल अबिलिटी टू एक्सरसाइज द पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। अब ये क्या है, पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग बताता हूं। वो कह रहा है सब कुछ देखो, ये भी देखो कि ये करंटली एक्सरसाइजेबल होने चाहिए और नॉट डीपली आउट ऑफ द मनी होने चाहिए। ओके, दो चीजें ना देखना। पहला, मैनेजमेंट की इंटेंशन। मान लो आपके पास शेयर खरीदने की ऑप्शन है, आउट ऑफ द मनी नहीं है, पर मैनेजमेंट इसको खरीदना ही नहीं चाहते हैं, आप इसको खरीदना ही नहीं चाहते हैं, आपको लगता है बेकार कंपनी है, 15% हिस्सा लेके पछता रहा हूं, तो ऊपर का 10% हिस्सा ऑप्शन है, मैं नहीं लूंगा जी। वो कह रहा है ये नहीं देखना, आप लो चाहे ना लो, आपकी इंटेंशन है लेने की नहीं लेने की मैटर नहीं करता, पोटेंशियल वोटिंग राइट कंसिडर होंगे। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल अबिलिटी बोले तो भाई खरीदने के लिए पैसा चाहिए। मान लो आपके पास 10% एक्स्ट्रा शेयर खरीदने का अधिकार है, पर आपके पास शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आपके पास 10% एडिशनल शेयर्स खरीदने का अधिकार है, पर आपके पास शेयर्स खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो इंडेस कहता भाड़ में जाओ, पैसा हो चाहे ना हो, तब भी पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कंसिडर किए जाएंगे। तो दो चीजें कंसिडर नहीं होंगी, एक मैनेजमेंट की इंटेंशन, दूसरा आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी टू एक्सरसाइज। पहला मैनेजमेंट की इंटेंशन, दूसरा फाइनेंशियल एबिलिटी टू एक्सरसाइज, इन दो चीजों को कंसिडर नहीं किया जाएगा, बाकी सब चीजें कंसिडर होंगी। अब इसको इंडिया 110 से जोड़ के देखते हैं, वहां ये पॉइंट था। यस, वहां पता क्या था, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स शुड बी सब्सटेंटिव। इंडिया 110 की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स शुड बी सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव होता था प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेबल। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या ये प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेबल है? जी नहीं। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स इंडिया 110 में नहीं थे। 110 में अगर आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी टू एक्सरसाइज नहीं है तो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कंसिडर नहीं होंगे, पर यहां होंगे। प्लीज, दिमाग घूम चुका है क्योंकि मैंने इंडेस 110 के साथ कंपेयर कर दिया, ये पॉइंट वहां भी तो आ सकता है। इंडेस 110 कहता था पोटेंशियल वोटिंग राइट्स शुड बी सब्सटेंटिव इन नेचर। अब इसके बाद मैंने 110 ही कराना है,
ठीक है ना, तो वहां फिर से डिस्कस होगा। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स शुड बी सब्सटेंटिव इन नेचर। सब्सटेंटिव होता है प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज, मतलब 110 में अगर पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कंसिडर होने हैं तो देयर शुड बी प्रैक्टिकल एबिलिटी टू एक्सरसाइज। अब सोचो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो देयर इज नो प्रैक्टिकल एबिलिटी। इसका मतलब 110 में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कंसिडर नहीं होंगे, पर यहां उसको इग्नोर किया गया है। वो कह रहे यहां सब्सटेंटिविटी नहीं देखनी, बस ये देख लो वो करंटली एक्सरसाइजेबल होने चाहिए, प्लस वो डीपली आउट ऑफ द मनी नहीं होने चाहिए, बस सब्सटेंटिविटी नहीं देखने की जरूरत है। सो अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन है नहीं खरीदने की, बाढ़ में जाओ तब भी एसोसिएट में कंसिडर होंगे। मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है, बाढ़ में जाओ एसोसिएट में तब भी कंसिडर होंगे, ये अर्थ है इसका। सो टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सब्सटेंटिव पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को लेके पॉइंट है। इंडियस 1010 में सब्सटेंटिव वोटिंग राइट्स होने जरूरी हैं, जबकि यहां सब्सटेंटिव नहीं चाहिए। यहां सिर्फ मैंने सब्सटेंटिव वर्ड यूज नहीं किया, वो टेक्निकल हो जाएगा। सो यहां सिर्फ करंटली एक्सरसाइजेबल होने चाहिए एंड शुड नॉट बी डीपली आउट ऑफ द मनी होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? सो ये नए पॉइंट्स है सारे के सारे, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फाइन, समझ आ गई बात? सो डायरेक्ट एसोसिएट इनडायरेक्ट एसोसिएट समझ में आ गया, कैसे कंसिडर करना है, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स में क्या क्या कंसिडर करना है, क्या क्या कंसिडर नहीं करना है। 110 के साथ मैंने कंपेरिजन भी करके बता दिया, प्लीज अगर समझ नहीं आया तो इसको दोबारा सुनिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, हालांकि 2-3 बार मैंने वैसे भी बोल दिया है, समझ आ जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी को 110 याद नहीं है तो वो टेंशन ना ले, अगला लेक्चर 110 का ही होगा। पहले मैंने सोचा था 110 पहले करा दूं, पर वो बोरिंग है, कंट्रोल की परिभाषा के ऊपर भर भर के सम दे दिए गए हैं, पहले भी 20-25 किए हुए हैं, 20-25 और दे दिए हैं, ठीक है ना। सो वो बहुत बोरिंग है, ये बढ़िया टॉपिक था इसलिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? अगली बात, क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर वोटिंग पावर से ही आ सकता है? मैंने इंडिया से पूछा कि कंट्रोल में तो तुम वोटिंग पावर नहीं देखते थे ना, वहां तो तुम कहते थे कंट्रोल की एक परिभाषा है, लंबी चौड़ी परिभाषा है जो अगले लेक्चर में रिवाइज भी करेंगे। क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर वोटिंग पावर से ही आएगा, या कोई और भी तरीका है जिससे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है? इंडिया कहता जी और भी तरीका है, हालांकि पेपर में जो प्रैक्टिकल सम आते हैं वो तो सारे 20% वाले ही होते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल सम्स होते हैं वो तो सारे के सारे 20% वाले होते हैं, पर रियलिटी में और भी तरीके हैं जिससे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है। मैंने कहा जी बताइए, वो कह रहा ये देखो ये पहले भी थे, है ना, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि मैं बीच में बोल ही जा रहा हूं कि ये पहले नहीं था, ये पहले है, पर आप सारा ही दोबारा कर रहे हैं। Following can also be the evidence of significant influence. Following can also be the evidence of significant influence. और कैसे कैसे significant influence आ सकता है? पहला, representation in the board of directors. Representation in the board of directors. तो अगर आपके 10 director हैं, मान लो 2 director हमारे, तो 20% हिस्सा हो गया ना हमारा, उससे भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपका 20 डायरेक्टर में एक ही डायरेक्टर आपका है, अब मुझे नहीं पता डायरेक्टर कितने होते हैं, वो आप लॉ में पढ़ो, तो 20 डायरेक्टर में अगर एक डायरेक्टर आपका है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, कम से कम 20% डायरेक्टर्स तो आपके पास चाहिए चाहिए, तो तब भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, मान लो आपके पास 5% ही शेयर है उस कंपनी के, पर आपको पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन दिया गया बिकॉज आप बड़े गुणवान व्यक्ति हैं, आप बड़ी सारी कंपनियां चला रहे हैं, तो आपको पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बना दिया गया, तो इवन दो आपके पास 5% शेयर्स हैं, इवन देन हम मानेंगे कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है बिकॉज आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हो। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लो किसी एक्सपर्ट को हायर करता है तो उसके पास कोई सीट थोड़ना है पार्लियामेंट में, बट स्टिल वो एक्सपर्ट के पास इन्फ्लुएंस करने की ताकत तो है ना। जैसे रेलवे को रिवाइव करने के लिए रतन टाटा की मदद ली गई थी, अब वो कितने को फ्रूटफुल हुई वो तो हमें नहीं पता बिकॉज ब्यूरोक्रेसी सब दबा देती है, पर उसमें इन्फ्लुएंस करने की ताकत तो आ गई ना। तो चाहे कोई भी शेयर ना हो आपके पास किसी कंपनी का, बट अगर आपके पास पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन आपको दिया जा रहा है
even then it is considered as the significant influence. Teesra, exchange of technology between investor and the investee, which is material for entities. मान लो मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है, किसी कंपनी ने उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो कंपनी इस टेक्नोलॉजी के बिना काम ही नहीं कर सकती, तो चाहे मेरे पास उस कंपनी में कोई शेयर भी नहीं है तब भी मेरे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बिकॉज उसका पूरा कार्यक्रम एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो टेक्नोलॉजी मेरी दी हुई है, तब भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। समझ रहे हो ना, ये अल्टीमेटली तो डिपेंडेंस है। एक कंपनी की अगर दूसरी कंपनी पे डिपेंडेंस है तो समझ लो जिसके पास अधिकार है उसको दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की ताकत मिल गई। तो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं जब चाहूं इसको बंद कर दूं, चाहे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भाड़ में जाए, मैं उसको इन्फ्लुएंस तो कर रहा हूं ना। तो अगर दो कंपनियां आपस में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी करती हैं तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है। आगे, इंटरचेंज ऑफ मैनेजीरियल पर्संस, कि अगर एक दूसरे के मैनेजीरियल पर्संस एक कंपनी के दूसरी कंपनी में आते जाते रहते हैं तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है। डिपेंडेंस ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अदर एंटिटी विच आर मटेरियल फॉर फर्स्ट एंटिटी। मान लो मैं हूं मारुति, मुझे गाड़ी बनानी है, गाड़ी बनाने के लिए इंजन मैं लेता हूं टोयोटा से। अब मेरा प्रोडक्ट का अल्टीमेटली बेस तो इंजन पे ही है और इंजन आ रहा है टोयोटा से, तो माना जाएगा टोयोटा का मारुति के ऊपर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वही लिखा है, डिपेंडेंस ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। अगर टोयोटा इंजन बनाने बंद कर दे तो मेरा तो गाड़ियों का काम ही खत्म हो गया, मैं इंजन बनाता ही नहीं खुद, मैं इंजन के लिए टोयोटा के ऊपर डिपेंडेंट हूं तो मैं टोयोटा का एसोसिएट माना जाऊंगा। ऐसे है नहीं है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। सो अगर आपको रिप्रेजेंटेशन इन द बोर्ड मिल जाए तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिल जाए तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर आप एक दूसरे की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर आप दूसरी कंपनी के गुड्स प्रोड्यूस्ड पे डिपेंडेंट हो तो भी उसका आप पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर आपके मैनेजीरियल पर्सन इंटरचेंज होते हैं तो भी आपका एक दूसरे पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो अगर छोटा सवाल आना है कि एसोसिएट है कि नहीं, फिर तो बच्चे इन पांचों पे ही आएगा ना, 20% वाला थोड़ा ना देगा वो, क्योंकि वो तो सबको पता है। तो अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आना है तो फिर वो इन पांचों के ऊपर ही आएगा। क्लियर है जी। सो ये हमने डिस्कशन कर लिया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है, एसोसिएट कैसे बनता है, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कैसे देखे जाते हैं, डायरेक्ट एसोसिएट क्या है, इनडायरेक्ट एसोसिएट क्या है, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक एंटिटी दूसरी एंटिटी का एसोसिएट भी बन सकता है। सो आइए अब नए वाले हैंडआउट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो वो क्वेश्चंस, क्योंकि केस स्टडी बेस्ड है तो हम आंसर्स नहीं लिखेंगे उसके, बिकॉज हमने क्लास में आंसर्स कैसे लिखने हैं वो सिखाया हुआ है, ठीक है ना। सो जो बुक में ऑलरेडी क्वेश्चंस करे हुए हैं वहां हमने सारे लिख के करे हुए हैं, नाम नंबर रेलेवेंट प्रोविजंस कैसे देना है, हम सिर्फ इनको समझेंगे जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने नए डाले हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1, इंड एस 28, तो ये न्यू हैंडआउट है, इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 1, ई लिमिटेड होल्ड्स 25% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एन इन्वेस्टी, द बैलेंस 75% ऑफ द वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय 3 अदर इन्वेस्टर्स ईच होल्डिंग 25%। तो ई लिमिटेड के पास 25% हिस्सा है, बाकी 75% तीन लोगों के पास, उनके पास भी 25-25 है। सो अगर प्लेन वनीला आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या ये एसोसिएट है? बिल्कुल है, बिकॉज आपके पास 25% हिस्सा है और 25% पे क्या एसोसिएट बन जाती है? यस, बन जाती है। ओके, द डिसीजन अबाउट द फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द इन्वेस्टी
are taken by investors holding majority of the voting power. Majority voting power बाकी तीनों के पास है, वो कह रहा है सारे decision वही ले लेते हैं. Since the other three investors together hold majority voting power, they generally take the decision without taking the consent of E-Limited. वो E-Limited की बात भी नहीं सुनते और सारे के सारे decision खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि उन तीनों के पास मिला के 75% हिस्से. Even if E-Limited proposes any change to the financing and operating policies of the investee, the other three investors do not vote in favor of those changes. वो कह रहा है E-Limited अगर कोई चेंज करना भी चाहता है तो बाकी तीन इन्वेस्टर उसकी बात नहीं करते, उसके अगेंस्ट वोट कर देते हैं. सो इन इफेक्ट द सजेशंस ऑफ E-Limited आर नॉट कंसिडर्ड वाइल टेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज. तो E-Limited की बात कहता नहीं मानी जाती. अब बताओ, वो पूछेगा कि बताओ E-Limited के लिए वो दूसरी कंपनी एसोसिएट है ना, चाहे आपके पास 25% हिस्सा है बट शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन है ही नहीं, बाकी तीनों इन्वेस्टर आपके अगेंस्ट काम करते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते. तो E-Limited के लिए वो कंपनी एसोसिएट नहीं है. डिटर्मिन वेदर E-Limited हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वेस्टी, नो. और ये सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी भी बुक में था, इंस्टीट्यूट ने चेंज चूंज करके दोबारा डाल दिया है. सो लिखेंगे नहीं इसका सोल्यूशन, बिकॉज इनके सोल्यूशन कैसे लिखने हैं वो ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है. ठीक है, तो सिंस E-Limited इज होल्डिंग मोर देन 20% वोटिंग पावर, इट इंडिकेट्स दैट E-Limited माइट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. ये तो प्लेन वनीला रीडिंग होगी ना. हाउएवर अदर इन्वेस्टर्स इन द इन्वेस्टी प्रिवेंट E-Limited फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस, हेंस इन दिस केस E-Limited is not in position to have the significant influence over the investee. तो E-Limited के पास significant influence exercise करने की ताकत नहीं है. Clear है? And I think similar question already हमारी main book में भी था. Question number 2. M-Limited holds 10% of the voting power of an investee. लो जी, अभी 10% हिस्सा ही है. The balance 90% voting power is held by 9 other investors, each holding 10%. मतलब total 10 investor हैं, सबके पास 10-10% है. The decision about the relevant activities, except decision about taking borrowings of the investee, are taken by members holding majority of the voting power. वो कह रहा है borrowing के decision को छोड़ के बाकी सारे डिसीजन मेजोरिटी वोटिंग पावर से लिए जाते हैं. मेजोरिटी कितना होता है? मोर देन 50%. दोबारा, द डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज एक्सेप्ट डिसीजन अबाउट टेकिंग बोरोविंग्स ऑफ द इन्वेस्टी आर टेकन बाय मेंबर्स होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग पावर. ओके, द डिसीजन अबाउट टेकिंग बोरोविंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाई यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स. ऊपर लिखा था ना कि बोरिंग्स के डिसीजन को छोड़ के. अब वो कह रहे हैं जो बोरिंग का डिसीजन है वो जब तक सबकी कंसेंट नहीं होती तब तक नहीं लिया जाता. ये क्या लिख रहा है समझते हैं. फर्दर डिसीजन अबाउट टेकिंग बोरोविंग्स आर नॉट द डिसीजन दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टी. कह रहे ये रेलिवेंट एक्टिविटी है ही नहीं. बोरोइंग का डिसीजन जो है वो कोई इतना बड़ा डिसीजन है ही नहीं, मतलब इन अदर सेंस वो इतनी रेलेवेंट एक्टिविटी है ही नहीं. डिटर्मिन वेदर एम लिमिटेड है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वेस्टी. वो कह रहा बताओ कि एम लिमिटेड के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं है. अब ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम लिमिटेड के पास 10% हिस्सा है इन्वेस्टी में. पहले तो प्लेन वनीला रीड करते हैं तो 10% इज नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है ना. बट वो कह रहे बाकी 9 मेंबर है उनके पास भी 10-10% हिस्से ही है और मेजॉरिटी द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं. अगर मैं बोरिंग्स की बात को छोड़ भी दूं, थोड़ी देर के लिए बोरिंग को भूल जाओ, तो सारे डिसीजन मेजॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं. अब किसी के भी पास 10% से ज्यादा हिस्सा है ही नहीं, तो क्या आपके पास
पावर टू पार्टिसिपेट है, बिल्कुल है। कंट्रोल है आपका, क्योंकि सबसे पहले तो कंट्रोल देखना होता है, कंट्रोल है आपका जी नहीं? कंट्रोल के लिए तो 50% से ज्यादा चाहिए, कंट्रोल नहीं है हमारा। हमने क्या पढ़ा था कि दैट शुड नॉट बी कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल, ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। पहले चेक करो कंट्रोल है जी नहीं, कंट्रोल नहीं है। अब चेक करो जॉइंट कंट्रोल है। जॉइंट कंट्रोल क्या होता है? जहां यूनैनिमस कंसेंट से डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी, दोनों की सहमति होगी तो ही डिसीजन लिया जाएगा। और क्वेश्चन साफ कह रहा है बोरोइंग्स का डिसीजन यूनैनिमस कंसेंट से लिया जाता है, बट वो रेलेवेंट एक्टिविटी है ही नहीं, इसलिए ये जॉइंट कंट्रोल भी नहीं है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। बिकॉज किसी एक के पास ताकत नहीं है, सबके पास बराबरी का हिस्सा है, तो सबके पास चिल्लाने की ताकत है। इवन दो बोरोइंग के लिए यूनैनिमस कंसेंट चाहिए, पर बोरोइंग रेलेवेंट एक्टिविटी है ही नहीं, क्योंकि अगर सारी एक्टिविटीज के लिए यूनैनिमस कंसेंट चाहिए होता तो ये जॉइंट कंट्रोल होता। तो ये उस कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो एक लाइन आई थी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, पर वो कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, पर वो कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये उसके ऊपर था। तो इवन दो बोरोइंग्स यूनैनिमस कंसेंट से डिसीजन लेते हैं, पर वो रेलेवेंट एक्टिविटी नहीं है, तो ये जॉइंट कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, और सबके पास इक्वल पार्टिसिपेशन का हिस्सा है, तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे देखो, यहां तो हम एसोसिएट का इंडेक्स पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा वहां यही चेक करना है एसोसिएट है कि नहीं। पेपर में थोड़ा पता है, वो कंट्रोल भी हो सकता है, वो जॉइंट कंट्रोल भी हो सकता है, वो एसोसिएट भी हो सकता है। सो प्लीज सबसे पहले चेक करना है कि ये कंट्रोल तो नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वहां नहीं पता ना कौन सा क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले चेक करिए ये कंट्रोल तो नहीं है। कंट्रोल क्या होता है, वो कंट्रोल की परिभाषा, तीनों क्लॉजेस ना, बड़ी क्लॉजेस है, बाद में बोलूंगा। फिर चेक करो ये जॉइंट कंट्रोल तो नहीं है, यूनैनिमस कंसेंट अगर नहीं है, अब चेक करो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। क्लियर है? सो आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। In this case, though M Limited is holding less than 20% voting power, M Limited consent is required to take decision about borrowings, which is one of the relevant. ये गलत आंसर लिख दिया इन्होंने, which is one of the relevant activity. वो कह रहा है significant है ही नहीं। Further, since the decision about taking borrowing are not the decision that more significantly affect the return, it cannot be said that the all investors have joint control. चलो ये उसने सही लिख दिया। Hence it can be said that M Limited has significant influence. ये आंसर सही नहीं लिखा हुआ, मैं इसको लिखवा देता हूं। आइए जी, सो क्वेश्चन निकालने के बाद ये सही आंसर नहीं लिखा हुआ बच्चे, सो इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा। लिखिए जी, as per Ind AS 28 सीधा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखते हैं ना, बिकॉज उसने यही पूछा है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड operating policy decisions of other entity that is not control or joint control. Joint control means where decisions are taken by
unanimous consent of all the parties concerned. Unanimous consent of all the parties concerned. In the given case, क्या नाम है? M Limited holds टेन परसेंट वोटिंग पावर ऑफ इन्वेस्टी. द बैलेंस 90% इज हेल्ड बाय अदर 9 इन्वेस्टर्स. Although decisions regarding borrowings required unanimous consent, but that is not most significant activity. And hence, this is not joint control. And hence, this is not a joint control. Full stop. Since none of the investors have control, or joint control, hence, it is considered that M Limited has significant influence over investee, even though it holds only 10% of voting power. सो जो आंसर ये सही नहीं लिखेंगे वो हम प्रॉपरली आपको लिखवा देंगे. चलिए, इवन दो इट होल्ड्स ओनली 10% ऑफ द वोटिंग पावर, लिखिए जी जल्दी. इवन दो इट होल्ड्स ओनली 10% ऑफ द वोटिंग पावर. क्लियर हो गई बात? चलिए, सो इसको पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. आरएस लिमिटेड इज एन एंटिटी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. इट हैज इन्वेस्टेड इन द शेयर कैपिटल ऑफ एन इन्वेस्टी XY लिमिटेड and is holding 15% of XY Limited's total voting power. तो RS Limited ने XY Limited में 15% हिस्सा खरीदा है. XY Limited is engaged in the business of producing packing materials for pharmaceutical entities. मतलब जो XY Limited है वो क्या बनाता है? Packing material बनाता है. किसके लिए? फार्मास्यूटिकल एंटिटी के लिए. और ध्यान रखना, आरएस लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल एंटिटी है. वन ऑफ द इंसेंटिव्स फॉर आरएस लिमिटेड टू इन्वेस्ट इन XY लिमिटेड वाज द फैक्ट दैट XY लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पैकिंग मटेरियल व्हिच इज आल्सो यूजफुल फॉर आरएस लिमिटेड. मतलब XY पैकिंग मटेरियल बनाता है जो आरएस को चाहिए था, तो उसने कहा चलो आरएस में 15% हिस्सा ही ले लेते हैं. Since last many years, XY Limited's almost 90% of the output is procured by RS. So majority of the output of XY Limited is purchased by RS. Determine whether RS Limited has significant influence. Yes. Dependency on goods produced. ये वाला clause लग जाएगा ना? ये जो सीखा था हमने, ये वाला. Dependence on goods produced.
एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अदर एंटिटी। तो क्योंकि एक्सवेल लिमिटेड का मेजॉरिटी आउटपुट कौन खरीदता है? आरएस लिमिटेड ही खरीदता है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सवाई लिमिटेड है वो आरएस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बिकॉज एक्सवाई जो भी बनाता है 90% तो आरएस ही ले लेता है। तो इसका मतलब जो एक्सवाई लिमिटेड है वो आरएस के ऊपर डिपेंडेंट है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, इसलिए ये माना जाएगा कि आरएस का एक्सवाई के ऊपर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है, पढ़ लेते हैं यहीं से। सिंस 90% ऑफ द आउटपुट ऑफ एक्सवाई लिमिटेड is procured by RS Limited, XY Limited would be dependent on RS Limited for continuation of its business. Hence, even though RS Limited is holding only 15% of voting power, it has significant influence over XY Limited. So, ये paper में जरूर लिख देना है पहले कि generally 20% less than 20% is no power to participate, but due to dependency of XY Limited on RS Limited for goods produced, RS Limited is considered to have a significant influence over XY Limited. ठीक है, so easy question था, इसमें कुछ खास नहीं है। Next देखिए, question number 4. R Limited is a tire manufacturing entity. The entity has entered into a technology transfer agreement with another entity, Y Limited. तो आर लिमिटेड के पास एक टेक्नोलॉजी है जो वाई लिमिटेड को आर लिमिटेड ट्रांसफर करेगा, तो ये टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ टायर मैन्युफैक्चरिंग। वाई लिमिटेड भी टायर मैन्युफैक्चरिंग में है, उसके लिए आर लिमिटेड की कोई टेक्नोलॉजी को वो यूज करेगा। आर लिमिटेड इज एन एस्टेब्लिश्ड एंटिटी इन दिस बिजनेस, वेयर एज वाई लिमिटेड इज अ रिलेटिवली न्यू एंटिटी। आर लिमिटेड पुराना है, वाई लिमिटेड नया है। As per the agreement, R Limited has granted to Y Limited a license to use its technical information and know-how, which are related to the process for manufacturing of tire. So, R Limited अपनी technology Y Limited को दे रहा है। Y Limited is dependent on the technical information and know-how supplied by R Limited because of its lack of expertise and experience in this business. Further, R Limited has also invested in 10% of the equity share capital of Y Limited. So, R ने Y में 10% हिस्सा लगाया है. But since Y is dependent on R Limited for technology, hence it will be considered that the R Limited has significant influence. Determine whether R Limited has significant influence. Yes, ये वाला point consider हो जाएगा आपका. Exchange of technology वाला. कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के लिए, तो भी ये माना जाता है कि पहली कंपनी का दूसरे के ऊपर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सो पढ़ लीजिए, वाई लिमिटेड ऑब्टेन्स एसेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फॉर रनिंग ऑफ इट्स बिजनेस फॉर आर लिमिटेड, हेंस आर लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर वाई लिमिटेड डिस्पाइट ऑफ होल्डिंग ओनली 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5. एन एंटिटी विच इज करंटली होल्डिंग 10% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एन एंटिटी हैज एन ऑप्शन टू परचेज एडिशनल 15% वोटिंग पावर ऑफ इन्वेस्टी फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स। 10% हिस्सा है, 15% पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है। However, the entity currently does not have financial ability to purchase additional 15% voting power of the investee. आ गया जी, तो 15% का potential voting right है, पर उसकी औकात नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, financial ability नहीं है इसको खरीदने के लिए। Determine whether the entity has significant influence. Yes, because financial ability को consider नहीं किया जाता। 10% आपके पास है, 15% आपके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं, सो ये माना जाएगा कि एक एंटिटी का दूसरे के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब देखो, ये पॉइंट पहले नहीं किया हुआ था, ठीक है ना, तभी मैंने बोला ना इसमें बहुत सारे नए पॉइंट्स डाले गए हैं। सो आइए पढ़े जरा। कंसिडरिंग द पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, द एंटिटी कैन हैव मोर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ इन्वेस्टी, and hence it is presumed that the entity has a significant influence. The fact that
the entity does not have financial ability to purchase such additional voting power is not considered in such assessment. ठीक है जी, ये बस यहीं तक, ये नहीं आपको पढ़ना है, ये तो कॉन्सेप्ट है सारे का सारा। बाकी आप पढ़ना चाहे तो वही लिखा है सब्सटेंटिव वाला, कि इंडियस 110 कहता है कि वोटिंग राइट सब्सटेंटिव होने चाहिए, पर इंडियस 28 में सब्सटेंटिव वाला पॉइंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ऐसे नहीं है पेपर में नहीं लिखना, सोल्यूशन यही तक है। ऑफकोर्स सोल्यूशन यहां से कॉपी नहीं करना, बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि इंडियस 110 सब्सटेंटिव की बात करता है, इंडियस 28 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो मैंने लॉजिक दिया था आपको कि क्यों ऐसे किया गया, 110 में कॉन्सेप्ट अलग है, यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। और देखें जरा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर डाला गया है, बिल्कुल ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। MNO लिमिटेड होल्ड 15% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ DEF लिमिटेड। तो MNO के पास DEF के 15% शेयर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट अभी कराया नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिएगा। अभी और बाकी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पहले मैं देख रहा था यहां तक का कोई और सवाल है कि नहीं है। नहीं, यहां तक के क्वेश्चंस हो गए हैं, अब आगे के क्वेश्चंस करने के लिए हमें पहले और भी कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चलिए जी, सो एसोसिएट का बच्चे मीनिंग हमने अच्छे से सीख लिया कि किसको एसोसिएट बोलते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये देखने के लिए कि किसको एसोसिएट माना जाएगा और किसको एसोसिएट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसोसिएट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग कैसे होगी। सो लिखते बाद में है, पहले इन बातों को समझते हैं। सो पॉइंट बना दें तो चलो बाद में पॉइंट बनाते हैं, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लिखते बाद में है। ठीक है, सो बात उठती है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, के अगर आपकी कोई एसोसिएट है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दो जगह बच्चे ट्रीटमेंट पढ़ना होता है, पहला इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको स्टैंड अलोन भी बोलते हैं, इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो है तो ये भी इन्वेस्टमेंट ही ना। अगर आपके एसोसिएट में 20% हिस्सा है तो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में यानी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिस इज रिकॉर्डेड एज पर इंड एस 27। अच्छे से ये बात डिस्कस करी हुई है, और इंड एस 27 आपको दो ऑप्शंस देता है कि चाहे तो आप इसको कॉस्ट पे दिखा लीजिए या आप इसको फेयर वैल्यू पे दिखा दीजिए एज पर इंड एस 109। सो चाहे तो आप उसको कॉस्ट पे दिखा दीजिए या फिर आप उसको फेयर वैल्यू पे दिखा दीजिए एज पर द इंड एस 109। क्लियर है, सो इसमें तो कुछ पढ़ने लायक बात नहीं है, हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एस 27 पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चे देखो, अगर आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो हमें पता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी का कंसोलिडेशन किया जाता है, लाइन बाय लाइन बेसिस पे सब्सिडरी का कंसोलिडेशन किया जाता है, एसेट में एसेट जोड़े जाते हैं, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज जोड़े जाते हैं। क्या एसोसिएट का कंसोलिडेशन होता है? द आंसर इज नो, एसोसिएट का कंसोलिडेशन नहीं होता। मतलब लाइन बाय लाइन बेसिस पे एसोसिएट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जोड़ा जाता, लाइन बाय लाइन बेसिस पे एसोसिएट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जोड़ा जाता। तो फिर करना क्या होता है बच्चे, इंड एस 28 कहता है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है दिस विल बी रिकॉर्डेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग द इक्विटी मेथड।
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विल बी रिकॉर्डेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग द इक्विटी मेथड। लाइन बाय लाइन बेसिस पे कंसोलिडेशन नहीं किया जाता, इन्वेस्टमेंट ही दिखाई जाती है। आपको पता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, या तो कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू पे। बट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वन लाइन आइटम ही दिखाई जाती है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, बट सच इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज रिकॉर्डेड यूजिंग द इक्विटी मेथड। तो एक ही बात समझने लायक होती है कि ये इक्विटी मेथड एग्जैक्टली होता क्या है। तो अच्छे से पढ़ा हुआ है कि इक्विटी मेथड क्या होता है, दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे कि ये इक्विटी मेथड एक्चुअली में होता क्या है। सो आइए एक एग्जांपल के जरिए बात करते हैं कि इक्विटी मेथड एक्चुअली में कहता क्या है। सो मान लो 1/4/2021 को आपने एक्स लिमिटेड में 25% हिस्सा खरीदा फॉर ₹2,00,000। आपने ₹2,00,000 पे करे और 25% हिस्सा खरीदा। इस दिन नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड थे ₹7,00,000। नेट एसेट्स आपको पता है कंसोलिडेशन में बहुत अच्छे से किया हुआ है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इस दिन कितने थे, ₹7,00,000 के थे। क्लियर है जी। अब इक्विटी मेथड क्या कहता है, इक्विटी मेथड कहता है कि दो तरह का रेकॉग्निशन होगा। पहला कौन सा, इनिशियल रेकॉग्निशन, और दूसरा सबसीक्वेंट रेकॉग्निशन। इनिशियल रेकॉग्निशन और सबसीक्वेंट रेकॉग्निशन, दिखानी इन्वेस्टमेंट ही है, इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड के नाम से दिखाना है। नाउ द क्वेश्चन इज, एज पर इक्विटी मेथड इनिशियल रेकॉग्निशन किस पे होगा। तो इक्विटी मेथड कहता है कि इनिशियल रेकॉग्निशन कॉस्ट पे ही होगा। हां, आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगी क्या, गुडविल। इनिशियल रेकॉग्निशन विल बी एट कॉस्ट, बट गुडविल को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गुडविल को डिस्क्लोज करना है। इंड एएस 28 कहता है कि गुडविल कैलकुलेट करके सिर्फ उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है कि एक्चुअली में गुडविल है कितनी। और क्या हमें गुडविल निकालनी आती है, बिल्कुल आती है। हमने तो गुडविल इंड एएस 103 में बड़े अच्छे से पढ़ी हुई है, रादर इंड एएस 103 में तो गुडविल के दो दो मेथड पड़े हुए हैं, एक गुडविल एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स बेसिस When NCI is measured at fair value, when NCI is measured at proportionate share on net asset, जिसको हम पर्सनल बेसिस बोलते हैं। So, वहां तो दो तरीके पड़े हुए हैं, यहां गुडविल निकालने के कोई दो तरीके नहीं है। गुडविल निकालने का एक ही तरीका है, इधर देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मान लो नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड 7,00,000 है, तो बताओ आपकी गुडविल कितनी आई। तो गुडविल क्या होती है, आपने ₹2,00,000 पे किया और नेट एसेट्स उसके 7,00,000 है, तो 7,00,000 में आपका हिस्सा कितना है, 25%। तो 7,00,000 इंटू 25% 1,75,000। तो ध्यान से देखो, उस कंपनी के नेट एसेट्स थे 7,00,000, 25% बनता था 175, आपने पे किया 2,00,000, तो जितना ज्यादा पे किया उस 25,000 को बोलते हैं क्या, गुडविल। और अगर मैं इंड एएस 103 से कंपेयर करूं तो ये पसना बेसिस वाला मेथड है, क्योंकि यहां एनसीआई होता नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन तो करना नहीं है, इसलिए यहां एनसीआई, पसना बेसिस, ये सब नाम नहीं यूज किए जाते, पर है ये वही है, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट बेसिस, कि आपको सिर्फ अपने 25% हिस्से की गुडविल निकालनी है। और वो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने ₹2,00,000 पे किए, उसके नेट एसेट थे उस दिन 7,00,000। सर ये नेट एसेट्स की क्या लेनी है, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फिलहाल छोड़ो फेयर वैल्यू को, वो अगली एग्जांपल में लेंगे। आपको पता है इंड एएस 103 भी फेयर वैल्यू ही लेता है, ठीक है ना। तो नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड है 7,00,000, तो 7,00,000 का 25% होता है 175,
आपने 2 लाख पे किया तो जितना ज्यादा पे किया वो गुडविल, और अगर कम पे किया होता तो कैपिटल रिजर्व। तो इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट होगा और एंट्री करी जाएगी इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने कितना पे किया है? आपने पे किया है 2 लाख। क्या ये 2 लाख में 25,000 गुडविल है? बिल्कुल है। क्या गुडविल को अलग करना है? जी नहीं, बट गुडविल का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इस 25,000 की इन्वेस्टमेंट में कितने की गुडविल जुड़ी हुई है। 2 लाख रुपए की गुडविल भी जुड़ी हुई है। सो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट पे, बट आपको गुडविल आइडेंटिफाई करनी है। ध्यान से देखो, मैंने गुडविल सिर्फ निकाली है, उसका किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्क्लोजर है। सो एज पर द इक्विटी मेथड इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एट कॉस्ट, और उसमें गुडविल जुड़ी रहने देना 25,000 की। अब इससे क्या फर्क पड़ा गुडविल लिखने से? एक बात समझ में आ गई कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 25,000 गुडविल है, तो एक्चुअली में उसके नेट एसेट्स थे 1,75,000। बच्चे इक्विटी मेथड सिर्फ एक काम करता है, इक्विटी मेथड रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट नेट एसेट्स। जो भी एसोसिएट के नेट एसेट्स की वैल्यू है उसमें आपका हिस्सा है 25%, तो इक्विटी मेथड नेट एसेट्स की वैल्यू पे ही इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेगा। बस एक फर्क करेगा कि उसमें गुडविल को जुड़ा रहने देगा। गुडविल को अलग से कैलकुलेट करते तो हैं, पर गुडविल की अलग से एंट्री कोई नहीं करते। सो एज पर द इक्विटी मेथड एट इनिशियल रिकॉग्निशन इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस ओनली आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर। उसके बाद बच्चे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा बैलेंस शीट डेट पे। 31 मार्च 2022 को आपको सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी किस पे होगा? नेट एसेट्स पे ही होगा। सो आपसे वो बताया जाएगा कि यहां पे नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड हो गए मान लो 10 लाख। सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं नेट एसेट्स, तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया होगा, उससे आपके नेट एसेट्स बढ़ गए। बड़े अच्छे से नेट एसेट्स पे चर्चा हो रखी है इंडेक्स 110 में। तो एक्चुअली में देखो, नेट एसेट 7 लाख से बढ़ के 10 लाख हो गए, तो हम इसको बोलते होते हैं ग्रोथ इन नेट एसेट्स कितनी हुई? 3 लाख। 3 लाख में आपका हिस्सा कितना? 25%। सो 3 लाख का 25% कितना आ गया? 75,000। 3 लाख का 25% कितना? 75,000। तो ये 75,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ऐड करिए, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे एक एंट्री करी जाएगी इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड पीएनएल या कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। कितने से? 75,000। अब बताओ यहां वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? इनिशियल रिकॉग्निशन 2 लाख प्लस 75,000 यानी के 2,75,000, और बगल में दिखा दूंगा इसमें गुडविल कितनी है? 25,000। तो साफ पता लग गया कि 2,75 की इन्वेस्टमेंट दिखाई है, 25 की गुडविल है, तो 2.5 लाख क्या है? नेट एसेट्स। और ध्यान से देखो, उसके नेट एसेट्स कितने हैं? 10 लाख के। 10 लाख का 25% कितना? 2.5 लाख। दिस इज कॉल्ड इक्विटी मेथड। अब जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, सर इसमें और उसमें क्या अंतर है? सारा कुछ सेम है, बस हम पहले गुडविल को आइडेंटिफाई करने को नहीं बोलते थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी नहीं करता था पहले। सर इंडेएस में था, इंडेएस में तो शुरू से था, पर इंस्टीट्यूट नहीं करता था, तो हम भी नहीं कराते थे क्लास में कि इंस्टीट्यूट नहीं करता। इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में भी सम दिया, कहीं कुछ नहीं किया हुआ। अब इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में गुडविल को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, जो कि करेक्ट ट्रीटमेंट है। इंस्टीट्यूट पहले नहीं करता था। सो अब आप समझ लीजिए, चाहे एसोसिएट का भी क्वेश्चन आ जाए, बट स्टिल आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्री कोई नहीं करनी उसकी, सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। बाकी इक्विटी मेथड तो सारा सेम है, इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में ड्यूरिंग द ईयर जो नेट एसेट्स में ग्रोथ हुई है, वो नेट एसेट्स में आपका कितना हिस्सा है वो जोड़ दीजिए, और ये एंट्री कर दीजिए इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड पीएनएल या कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो दो इफेक्ट होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट 75,000 से बढ़ जाएगी, प्लस आपका कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स भी 75,000 से बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्विटी मेथड। सो एक्चुअली में देखो, इक्विटी मेथड क्या काम कर रहा है?
equity method is recording the investments at the value of a proportionate share in net assets. So, जो भी associate के net assets की value है, उसी value पे equity method उसको दिखाता है. Equity method उसको fair value पे नहीं दिखाता. Fair value तो Ind AS 109 में लेते हैं. Equity method उसको as per the net assets record करता है. और यही consolidation है associates का बस. कोई line by line consolidation नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ one liner investment दिखानी है using the equity method, initial recognition cost पे, और अगर net assets में कोई growth हुई है, तो growth in net assets को अलग से जोड़ना है. Clear है? अब growth दो तरीके की हो सकती है, या तो P&L में growth हुई होगी, या OCI में growth हुई होगी. तो अगर P&L में growth हुई है, तो वो P&L में add होगा. OCI में growth हुई है, तो वो consolidated OCI में add होगा. ठीक है ना, सो वो तो एग्जांपल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. P&L में ग्रोथ हुई है तो P&L में ऐड होगा, OCI में ग्रोथ हुई है तो कंसोलिडेटेड OCI में ही ऐड किया जाएगा. समझ आ गई बात, क्लियर हो गई बात सारी की सारी. सो कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है. ओके, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बाद में एग्जांपल कराऊंगा ही. एक बात और समझिए, एक और एग्जांपल बना रहा हूं. मान लो 1/4/2020 31 मार्च 2021 आपने 30% हिस्सा खरीदा 5 लाख रुपए देके. 30% हिस्सा खरीदा 5 लाख रुपए देके, और यहां पे नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है 12 लाख और फेयर वैल्यू है 13 लाख. जो 1 लाख ज्यादा है दैट इज ड्यू टू पीपीई का इंक्रीज इन फेयर वैल्यू. पीपीई का इंक्रीज इन फेयर वैल्यू है 1 लाख और इस पीपीई की लाइफ है 5 साल. बहुत किया हुआ है, एक पहली बार थोड़ना है कि बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अलग होती है, फेयर वैल्यू अलग होती है. अब जो फेयर वैल्यू 1 लाख ज्यादा है वो मैं बता रहा हूं क्यों ज्यादा है, कि पीपीई एक पड़ी हुई है जिसकी फेयर वैल्यू 1 लाख ज्यादा है, उस पीपीई की लाइफ है 10 साल. समझ में आ गई बात, बताओ. सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे. गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट हेल्ड, कितने की इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, माइनस प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स. अब नेट एसेट्स किस वैल्यू पे लेते होते हैं, फेयर वैल्यू के बुक वैल्यू. अगर फेयर वैल्यू दी हुई है तो नेट एसेट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एट फेयर वैल्यू. इंड एस 103 में बड़े अच्छे से सीखा हुआ है कि नेट एसेट्स को हमेशा किस वैल्यू पे लिया जाता है, याद है, फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिएबल एसेट्स वर्ड यूज करते थे. सो फेयर वैल्यू है 13 लाख, 13 लाख में आपने कितना हिस्सा लिया 30%, तो ये हो गया 3,90,000. तो बताओ गुडविल कितनी आ गई, 1,10,000. 5 लाख माइनस 3,90,000, सो गुडविल आ गई आपकी 1,10,000. बताइए जी, इनिशियल रेकोगनीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू पे होगा, तो इनिशियल रेकोगनीशन हमेशा कॉस्ट पे होता है, और बगल में लिख देना है गुडविल. बच्चे मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी. बगल में लिख देना है गुडविल कितनी है, 1,10,000. ओके, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया 4 लाख. मैं जानना चाह रहा हूं 31 मार्च 2021 को वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा. तो सीधी बात है, सब्सिक्वेंट रेकॉग्निशन कहता है जितना भी ग्रोथ इन नेट एसेट्स है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर उठाओ और इन्वेस्टमेंट में जोड़ दो. सो इनिशियल रेकॉग्निशन प्लस ग्रोथ इन नेट एसेट्स, सो टोटल ग्रोथ कितने की है, 4 लाख. बट रुकिए बच्चे, आपने 12 लाख की बुक वैल्यू को 13 लाख करके 1 लाख बुक वैल्यू बढ़ा दी, तो 5 साल की लाइफ के हिसाब से 20,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो आएगी. ये भी किया हुआ है 103 में, तो वो 4 लाख में से थोड़ा घटा होगा. 4 लाख तो उसकी स्टैंड अलोन बुक्स की वैल्यू है, 4 लाख तो उसका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है जिसमें बुक वैल्यू 12 लाख थी, पर हमने 12 लाख की जगह कितना कंसिडर किया हुआ है, 13 लाख. तो 1 लाख एक्स्ट्रा, तो 1 लाख के ऊपर 5 साल में 20,000 डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगी, और उसका 30%.
सो 3,80,000 उसका 30%, सो ये बनेगा आपका कितना 1,14,000, सो टोटल आ गया आपका 6,14,000। बात समझ में आ गई, कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर आपने कंसोलिडेशन के लिए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को कंसिडर करना है तो फिर फेयर वैल्यू के ऊपर ही डेप्रिसिएशन भी आएगी। हालांकि मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए ना, ये तो अमेंडमेंट कम रिवीजन क्लास है, क्योंकि हमने तो ये सब पहले पढ़ा हुआ है। इंड एस 110 में ये सारी बातें अच्छे से डिस्कस करी हुई है। हाँ, इंड एस 28 में ये सब पहले नहीं इंस्टीट्यूट करता था, तो हम भी आपको नहीं कराते थे फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि हम उतना ही कराते थे जितना आपके स्टडी मटेरियल में था। पर अब ये सब चीजें इन्होंने डाली हैं, सो अब हमें ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी, पर हमें आती हैं, कोई नई चीज नहीं है, ये सब काम हम पहले भी कर चुके हैं। सो अगर आप फेयर वैल्यू पे नेट एसेट्स को कंसिडर करते हैं तो पीपीई में इंक्रीज इन फेयर वैल्यू कितना आता है, 1,00,000, 5 साल लाइफ है तो 20,000 की आपको क्या डालनी पड़ेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी डालनी पड़ेगी। सो 4,00,000 माइनस 20,000 उसका 30%, 1,14,000 और टोटल आ गया 6,14,000। समझ में आ गया, बस इतनी सी ही बात है और तो कुछ है नहीं। अगर P&L में ग्रोथ है तो वो कंसोलिडेटेड P&L या कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग में एड हो जाएगा, और अगर आपके OCI में कोई ग्रोथ है तो वो कंसोलिडेटेड OCI में ही एड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कौन सा मेथड, इक्विटी मेथड। समझ आ गई बात, क्लियर है। सो नया क्या सीखा जो पहले नहीं था, एक तो गुडविल आइडेंटिफाई करना, और दूसरा अगर आप नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं तो फिर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी उस अकॉर्डिंगली ग्रोथ ऑफ नेट एसेट्स में से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे, अगर ये ग्रोथ वगैरह सब भूल चुका है तो पहले एक बार कंसोलिडेशन रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। वहां आपने ये सब मुझसे मतलब अनगिनत क्वेश्चंस किए हुए हैं, एसोसिएट्स के अंदर हम ये सब काम नहीं करते थे, वहां एक नॉर्मल से क्वेश्चंस हम लोग किया करते थे। क्लियर हो गई बात। चलिए सो अब पहले इसको लिख लेते हैं कि दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, है ना। चलिए जी, पॉइंट नंबर कौन सा होगा, तभी मैंने बोला था ना, अब इसमें देखो एक गुडविल का पॉइंट आने से सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन में चेंज हो गया ना। अब आपको हर क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब बताओ मैं इसको बीच में कैसे एडजस्ट करता, तो मैंने सोचा इसलिए ये इंड एस हमें दोबारा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोबारा चलो अच्छा हो गया, अच्छे से रिविजन भी हो जाएगी। आइए जी, पॉइंट नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आपको पता है गुडविल एक ही बार कैलकुलेट होती है, किस दिन, डेट ऑफ एक्विजिशन पे, बाद में तो कभी गुडविल कैलकुलेट करते नहीं है, ठीक है ना। सो गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉन्सेप्ट सेम है, बट वहां हम गुडविल रिकॉग्नाइज करते हैं, यहां गुडविल सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि कंसोलिडेशन तो होना नहीं। गुडविल सिर्फ कंट्रोल वाली ही बैलेंस शीट में आ सकती है, और कोई भी गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आ सकती, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। लिखिए जी, सब पॉइंट ए, इन कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉमा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इज रिकॉर्डेड यूजिंग इक्विटी मेथड एज पर इंड एस 28। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इज रिकॉर्डेड यूजिंग इक्विटी मेथड एज पर इंड एस 28। एज पर इक्विटी मेथड
following steps are applied. As per equity method, following steps are applied. Step 1. At initial recognition, comma, investment in associates is recorded at cost after identification of goodwill or capital reserve. बच्चे यहाँ गुडविल निकालने के कोई दो मेथड नहीं है, एनसीआई इज मेजर एट दिस, एनसीआई इज मेजर एट दिस, बिकॉज यहाँ एनसीआई होता ही नहीं है, यहाँ सीधा होता है. मान लो ये पेंसिल है, इसकी फेयर वैल्यू 7000 है, मैंने 9000 में खरीदी तो 2000 गुडविल, बात खत्म. ठीक है ना, जैसे आप सीए इंटर में निकालते थे, सीए इंटर में ऐसे ही गुडविल निकालते थे. ठीक है ना, सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. गुडविल की कैलकुलेशन एक ही बार होती है, आपको पता है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट उठाइए, माइनस प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट. सो ये आएगी गुडविल अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कैपिटल रिजर्व. अब ये प्रोपोर्शनेट शेयर का क्या मतलब है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड, है ना. So, जितने भी आपके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है उसको जितने भी आपके पास शेयर्स हेल्ड हैं उसके परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड, क्लियर है. सो बड़ी सिंपल सी बात है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये तो बिल्कुल देसी तरीका है गुडविल निकालने का, और गुडविल सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है. इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करना है, कॉस्ट पे ही करना है. किसको आइडेंटिफाई करके, गुडविल को आइडेंटिफाई करके. ओके है जी. सो ये हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन. स्टेप 2, एट एवरी बैलेंस शीट डेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is increased or decreased by adding or deducting the growth in net assets during the year, by adding or deducting the growth in net assets during the year. So at every balance sheet date, value of investment is increased or decreased by adding or deducting the growth in net assets during the year. Ab iski do entries for share in net profit of associate. For share in net profit of associate, बताओ क्या एंट्री होगी. Investment in associate account debit to consolidated PL या retained earnings, कुछ भी लिख सकते हो, to consolidated PL या retained earnings. और ये भी तो हो सकता है ना उसका OCI में हिस्सा हो. जैसे मान लो उसके पास कोई रिवैल्यूएशन किया हुआ है,
एसोसिएट ने ड्यूरिंग द ईयर को रिवैल्यूएशन किया है तो उसने रिवैल्यूएशन रिजर्व को ओसीआई में दिखाया होगा, तो ओसीआई का हिस्सा भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर शेयर इन ओसीआई ऑफ एसोसिएट, फॉर शेयर इन ओसीआई ऑफ एसोसिएट, तो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड ओसीआई, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड ओसीआई। सो ये कौन से प्रॉफिट होते हैं कंसोलिडेशन की भाषा में? शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, है ना, प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन, जिसको हम ग्रोथ इन नेट एसेट्स बोलते हैं। और ये क्या है? शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन ओसीआई, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन ओसीआई, लिखिए जल्दी, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन ओसीआई। ओके, सो ये प्रॉफिट की एंट्री है, स्टार लगा के लिख लीजिए। रिवर्स एंट्री फॉर लॉस, रिवर्स एंट्री फॉर लॉस, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? ये सब पहले किया हुआ है बच्चे, सिर्फ एक ही चीज नहीं थी कि हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, गुडविल कैलकुलेट करके सिर्फ डिस्क्लोजर देना होगा, बाकी और गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करके हमें डिस्क्लोजर ही देना है। ओके है, लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो प्लीज पॉज करके लिखिए। चलिए, सो ये था आपका स्टेप वन इनिशियल रिकॉग्निशन, स्टेप टू है एट एवरी बैलेंस डेट क्या करना है। अब नीचे एक नोट लिख लीजिए, नोट वही है कि अगर एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स तो आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई, क्योंकि डेप्रिसिएशन पीपीई पे होती है, इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू, देन वी नीड टू एडजस्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन लिखवा रहा हूं, सेविंग भी हो सकती है, वी नीड टू एडजस्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, वी नीड टू एडजस्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। सो आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में इनिशियल डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? अभी एग्जाम्पल करेंगे, जो ऊपर लिखवाया है वो सब मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको लिखवाऊंगा। चलो एक एग्जाम्पल पहले कर ही लेते हैं, क्लियर है जी, समझ आ गया? चलिए तो एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा, जिससे आपको बातें क्लियर होनी शुरू हो जाएं। लिखिए जी एग्जाम्पल, पी लिमिटेड अक्वायर्ड, तो ये एग्जाम्पल हमने पहले भी किया हुआ है पर आप गुडविल के साथ करेंगे, 30% शेयर्स इन ए लिमिटेड ऑन 1/4/2021 फॉर ₹50,000, द नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन दैट डेट वर ₹80,000 फुल स्टॉप। During the year 21-22,
A Limited earned PAT of rupees 20,000. Calculate the value of investment in separate as well as consolidated financial statements as on 31 March 2022. In separate as well as consolidated financial statements as on 31 March 2022. तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, पहले भी किया हुआ है पर अभी हम रिवाइज वे से करेंगे, जैसे अब इंस्टीट्यूट हमें करने को कहता है वैसे करेंगे। एक ही चीज बदली है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं इंडेस 28 जो अच्छे से जानते हैं, एक ही चीज बदली है, सारा कुछ सेम है, बस गुडविल को आइडेंटिफाई करना है, बाकी आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, इसके बाद नए टॉपिक हैं, मतलब इस टॉपिक में इतनी सी ही बात है, ठीक है ना। आइए जी, तो पी लिमिटेड ने 30% शेयर्स अक्वायर करे ए लिमिटेड में 1/4/2021 को फॉर 50,000। सो डायग्राम बनाते हैं, 1/4/2021 को 30% हिस्सा खरीदा, कितने का, 50,000। The net assets of A Limited on that date is 80,000. So net assets कितने हैं उस दिन के, 80,000. During the year 21-22, A Limited earned PAT of rupees 20,000. So during the year उसने PAT कमाया है कितने का, 20,000 का. Calculate the value of investment इन सेपरेट एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 को वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना है इन सेपरेट एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सब पॉइंट ए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना भाई, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सो कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल ही होता है, फेयर वैल्यू तो दी नहीं तो अपन कॉस्ट ले लेंगे, कितना, 50,000। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं होता, जो भी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट पे दिखा दीजिए। बी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बस यही फर्क है। अब आपको एसोसिएट के हर एक क्वेश्चन में क्या निकाल के दिखानी है, गुडविल निकाल के दिखानी है। सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बताओ, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, वहां हम लिखते होते थे कंसिडरेशन पेड, याद है, या फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंड एस 103 में, 50,000 माइनस शेयर इन नेट एसेट्स। अब फेयर वैल्यू अलग से तो दी नहीं हुई, तो बुक वैल्यू ले लेंगे 80,000 का 30%, 24,000। तो एक्चुअली में 24,000 की चीज के आपने 50,000 दे दिए, तो बताओ गुडविल कितनी आई, 26,000। ओके, अब ड्यूरिंग द ईयर जो ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ में आपका जो शेयर है वो ऐड कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2022। आइए जी, सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 50,000 प्लस शेयर इन ग्रोथ ऑफ नेट एसेट्स। सो ड्यूरिंग द ईयर आपने कमाया 20,000 का प्रॉफिट, उसमें 30% इसका आपका 6,000। सो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 22
56,000। एंट्री क्या होगी? सिर्फ एक, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स या कंसोलिडेटेड P&L भी लिख सकते हो, 6,000। अगर कोई पूछे कि बैलेंस शीट डिस्क्लोजर कैसे होगा, सो बच्चे इन्वेस्ट, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हमेशा नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा, सो नॉन करंट एसेट्स है तो ये फाइनेंशियल एसेट ही ना, इन्वेस्टमेंट सारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड कितने से, 56,000, ब्रैकेट में गुडविल कितनी, 26,000, इस तरीके से दिखाना है, ठीक है, कि वैसे तो 56 की इन्वेस्टमेंट है बट इस 56 की इन्वेस्टमेंट में 26,000 की क्या जुड़ी हुई है, गुडविल भी जुड़ी हुई है। सो वैसे तो 56 की इन्वेस्टमेंट है बट इस 56 की इन्वेस्टमेंट में 26,000 की क्या जुड़ी हुई है, गुडविल भी जुड़ी हुई है। क्लियर हो गई बात? सो ये अब आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर बन गया, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को दिखाया जाता है। ये पहले भी था पर इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करता था, रादर हमें पता ही नहीं था क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ बताया ही नहीं था। सो हम RTP वगैरह को रेफर करते थे, वहां भी ये लोग ये सब नहीं, गुडविल नहीं निकालते थे, सो इसलिए हमने आपको पहले नहीं सिखाया था ये, पर अब इंस्टीट्यूट ने सही करना शुरू कर दिया है, सो हमें भी इसको आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए इसको जल्दी, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए। चलिए जी, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? अब इसमें बच्चे छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट नहीं कहना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ और भी तो बातें होंगी ना, सिर्फ इतने से थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर क्या होगा, पॉइंट नंबर 7। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय एसोसिएट, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय एसोसिएट। सो अगर एसोसिएट कोई डिविडेंड पे करे तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? सो इंड एस 28 में तो सीधा लिखा है जी, अगर एसोसिएट कोई डिविडेंड पे करता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से माइनस होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से माइनस होगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखो, मैं इसी एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। मान लो उसने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, इस 20,000 में से उसने 5,000 का डिविडेंड बांट दिया, प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटते हैं। उसने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, 20,000 से 5,000 का उसने डिविडेंड बांट दिया, तो 5,000 का 30% डिविडेंड 1,500 हमें भी मिलेगा। सो बच्चे ध्यान से देखो, जब आपको डिविडेंड मिला होगा तो स्टैंड लोन में आपने कोई एंट्री डाली होगी? बिल्कुल डाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,500 रुपया। अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है तो स्टैंड लोन में आपने एंट्री डाली होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 1,500 रुपया। बिल्कुल ठीक। अब ध्यान से देखो, क्या वो 20,000, क्या वो 1,500 इसी 6,000 का पार्ट नहीं है? बिल्कुल, इसी 20,000 से 5,000 डिविडेंड बटाए, इसी 20,000 से 5,000 डिविडेंड बटाए, तो मैं कह सकता हूं ये 20,000 में से 5,000 रियलाइज्ड प्रॉफिट है, 15,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, कि एसोसिएट ने
15,000 अभी मुझे बाद में बांटना है, है तो मेरा ही प्रॉफिट, है तो मेरा ही प्रॉफिट, 15 नहीं, 15 का 30% है ना, टोटल 20,000 एसोसिएट ने कमाया है, 30% मेरा है, 6,000 मेरा है, उस 6,000 से 1,500 मुझे मिल चुका है, 4,500 मिलना बाकी है, तो वो 1,500 जो मिल चुका है वो तो मैं स्टैंड अलोन में पीएनएल में ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो सोचो क्या मैं पीएनएल में उठा के ये 6,000 डाल दूं? नहीं, अभी पीएनएल में कितना डालना चाहिए, 4,500। इसलिए इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर कोई डिविडेंड पेड आता है तो वो डिविडेंड पेड यहीं से माइनस कर दीजिए, और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आपका ग्रोथ इन नेट एसेट रिड्यूस हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ये एंट्री करी जाएगी, क्योंकि टोटल 6,000 आपको मिलना है, 1,500 मिल चुका है, 4,500 मिलना बाकी है, तो मिलना जो बाकी है वो अनरियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिए, पर जो मिल गया वो तो ऑलरेडी पीएनएल में ऐड हो गया, क्योंकि आपने एंट्री डाली है इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, तो आप 6,000 कैसे डाल सकते हैं, इस 6,000 में से 1,500 तो पहले ही पीएनएल में डला हुआ है, तो आपको और कितना डालना है, सिर्फ 4,500 और डालना है। तो इसका शॉर्टकट ट्रीटमेंट क्या निकाला गया कि अगर एसोसिएट कोई डिविडेंड पे करता है तो चुपचाप उस डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर एसोसिएट कोई डिविडेंड पे करता है तो चुपचाप जाके उस डिविडेंड को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से माइनस कर दीजिए, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, रादर बैंक अकाउंट डेबिट भी कहना गलत है, क्योंकि मिल तो आपको पहले ही चुका होगा, तो फिर इसकी एंट्री क्या करोगे, कुछ भी कर दो आप, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट कर दो या कुछ भी कर दो, बैंक अकाउंट नहीं डेबिट कर सकते ना। हाँ, अगर आप सिर्फ कंसोलिडेटेड की बात करो फिर आप बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हो, कि स्टैंड लोन में तो अलग है, कंसोलिडेटेड में आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की एंट्री कर सकते हो। समझ आ गई बात, या पीएनएल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, पीएनएल अकाउंट ही डेबिट करो ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कौन सा पीएनएल, कंसोलिडेटेड पीएनएल, कि आपने 6,000 जोड़ा 1,500 माइनस कर दिया, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, क्यों माइनस किया पीएनएल से, बिकॉज ये पहले ही जुड़ा हुआ है पीएनएल में, ये तो स्टैंड लोन में ही जुड़ गया था, तो कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट। सो शॉर्टकट ट्रीटमेंट क्या बताया गया कि अगर एसोसिएट को डिविडेंड देता है, जस्ट डिडक्ट द डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट, लिखिए। If any dividend is paid by associate, during the year, then deduct the amount of dividend from इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। सो यहां बच्चे लॉजिक तो नहीं लिखवाया जाता, लॉजिक वही है कि आपने टोटल 6,000 जोड़ दिया है, पर उस 6,000 में से 1,500 तो आपको मिल चुका है, और जो मिल चुका है वो पहले पीएनएल में डाला हुआ है, तो 6,000 कंसोलिडेटेड पीएनएल में ऐड करके 1,500 माइनस कर दीजिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में पीएनएल का सिर्फ वो हिस्सा आता है जो अनरियलाइज्ड है, जो रियलाइज्ड हो गया वो तो आपके बैंक का हिस्सा बन चुका है, वो तो आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट की कुछ वैल्यू आपने रियलाइज करा ली है, क्योंकि आपने स्टैंड अलोन में क्या एंट्री डाली होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो 1,500 ऑलरेडी बैंक अकाउंट का हिस्सा है, उसको आप इन्वेस्टमेंट का पार्ट कैसे बना सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट से माइनस किया, प्लस क्योंकि वो स्टैंड अलोन पीएनएल में ऑलरेडी जुड़ चुका है तो कंसोलिडेटेड पीएनएल से हमने हटा दिया। सो जर्नल एंट्री क्या है, कंसोलिडेटेड पीएनएल या रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट बींग डिविडेंड रिसीव्ड, बींग डिविडेंड रिसीव्ड।
क्लियर है बात, समझ आ गई बात। अभी करते हैं इस पे, सवाल है बुक में, अभी क्वेश्चन करते हैं। ओके है जी, लॉजिक भी सारा समझ में आ गया, कैसे क्यों किया गया है, सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए ओके, एक छोटा सा पॉइंट और लिखिए फिर क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट नंबर 8, बच्चे अगर एसोसिएट की बुक्स में कोई प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्यूमुलेटिव, एसोसिएट की बुक्स में कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल CCPS, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं विच हैव बीन क्लासिफाइड एज इक्विटी बाय द एसोसिएट। अगर एसोसिएट की बुक्स में कंपल्सरली कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं या कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं विच हैव बीन क्लासिफाइड एज इक्विटी, क्योंकि आपको पता है इंड एस 109 में कंपल्सरली कन्वर्टेबल को इक्विटी क्लासिफाई किया जाता है, तो उसका प्रेफरेंस डिविडेंड आपको ग्रोथ ऑफ नेट एसेट्स में से माइनस करना पड़ेगा, चाहे वो डिविडेंड डिक्लेयर किया या नहीं किया। अगर एसोसिएट की बुक्स में कोई CCPS है कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव आजकल नहीं होते, ये कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं विच हैव बीन क्लासिफाइड एज इक्विटी बाय द एसोसिएट, देन ये ग्रोथ इन नेट एसेट्स का जो प्रॉफिट है इसमें से उसका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, क्योंकि उसको इक्विटी का पोर्शन माना गया है और इक्विटी का पोर्शन आपको डिडक्ट करके ही अपना पैसा अपने में ऐड करना है। लिखिए जी पॉइंट नंबर 8, इफ एसोसिएट हैज आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव बीन क्लासिफाइड एज इक्विटी, विच हैव बीन क्लासिफाइड एज इक्विटी, देन प्रेफरेंस डिविडेंड on such CCPS will be deducted from post acquisition profits whether such dividend is declared or not, whether such dividend is declared or not। लिखिए जल्दी, whether such dividend is declared or not। कंपल्सरली क्यूमुलेटिव भी लिख लो, क्यूमुलेटिव के केस में ही होता है ना ऐसे। क्यूमुलेटिव डिविडेंड क्या होते हैं कि अगर आपने इस साल का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि ऐसा क्यों किया गया, कि इंड एस 28 कहता है कि चाहे ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ चाहे नहीं हुआ, आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से ये डिविडेंड माइनस करके फिर ही अपने ग्रोथ इन नेट एसेट्स ऐड करने हैं। क्यों? वो कह रहा है ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्यूमुलेटिव क्या होता है? अगर इस साल आपने डिविडेंड नहीं भी पे किया तो अगले साल आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव में डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है। तो इंड एस 33 अर्निंग पर शेयर निकालते टाइम भी हम इस बात को पढ़ाते हैं कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का कोई डिविडेंड आ जाए तो वो प्रॉफिट में से माइनस आपको करना ही पड़ेगा, मानते हुए कि इस साल अगर आपने नहीं भी डिक्लेयर किया तो अगले साल तो आपको इसको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा।
क्लियर होगी बात, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके है, इस पे भी एक सम है, सो वो सम भी हम करा देंगे आपको। ये सारे बच्चे नए पॉइंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने ऐड करे हैं। सो अगर कोई क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं तो उसका डिविडेंड आपको माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंपेयरमेंट इन इन्वेस्टमेंट या इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो ये तो पहले भी किया हुआ पॉइंट है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई इंपेयरमेंट लॉस आता है तो वो इंपेयरमेंट लॉस आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा। बच्चे देखो, गुडविल की इंपेयरमेंट यहां नहीं हो सकती। इंड एस 110 में हम पढ़ते हैं कि आप गुडविल को इंपेयर करिए, पर यहां सोचो गुडविल आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी तो आप गुडविल को इंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो सीधा इन्वेस्टमेंट की इंपेयरमेंट होती है। इंपेयरमेंट के रूल्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं जो हमने इंड एस 36 में आपको लिखवा रखे हैं, पहले क्लास में पढ़ाए भी हुए हैं अच्छे से, ठीक है। सो उसका हमें कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन कहता है कि कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो आपको इंपेयरमेंट लॉस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से माइनस करना पड़ेगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड पीएनएल में, ठीक है ना। लिखिए, इफ देयर इज एनी इंपेयरमेंट लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन वी नीड टू प्रोवाइड सच इंपेयरमेंट लॉस। तो इसके क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं क्लास में। इंस्टीट्यूट की बुक में इंपेयरमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने आपको कराए हुए हैं। कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट, कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट। क्लियर है? आप कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट। ओके है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, ये तो कंसोलिडेशन में बड़े अच्छे से पढ़ा है। यूपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इस पे मैं ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा बिकॉज हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। सो एक होती है डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, और दूसरा अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। सो ये वही पुराना पॉइंट है जो पहले से डिस्कस किया हुआ है, दोबारा से, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हर काम को दोबारा करना ही है। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर इन्वेस्टर एसोसिएट को बेचता है तो दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। मतलब इन्वेंट्री किसकी बुक्स में पड़ी है? एसोसिएट की बुक्स में, ठीक है ना। सो यहां इसको लिखते हैं, फॉर एसेट्स हेल्ड बाय एसोसिएट। मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं बिकॉज ये पुराना पॉइंट है। फॉर एसेट्स हेल्ड बाय एसोसिएट, और अपस्ट्रीम क्या होता है कि एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा ना, ऊपर, अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ नहीं, एसोसिएट छोटा है इन्वेस्टर बड़ा है, तो एसोसिएट ने इन्वेस्टर को बेचा तो इसको बोलते हैं कि इन्वेंट्री किसकी बुक्स में आ रही है? इन्वेस्टर की बुक्स में। फॉर एसेट हेल्ड बाय इन्वेस्टर, फॉर एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर, एक बार पूरा ही समझा देते हैं दोबारा, है ना, अगर भूल भी गया है तो। सुनिए जी, सो मान लो एक्स लिमिटेड और उसका एक एसोसिएट है ए लिमिटेड, दोबारा पूरा समझा रहा हूं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 25% हिस्सा है उसका,
ठीक है ना, एक्स लिमिटेड का। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड को इन्वेंट्री सेल करी, जिसकी एक्स लिमिटेड की बुक्स में बुक वैल्यू थी 10,000 और सेलिंग प्राइस है 12,000। एक्स लिमिटेड की बुक्स में बुक वैल्यू थी 10,000, सेलिंग प्राइस है 12,000। ए लिमिटेड ने आगे ये सामान बेचा नहीं, तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री आ रही होगी कितनी, 12,000। तो क्या ये 12,000 ए लिमिटेड के नेट एसेट्स का पार्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ध्यान से देखो, एक्स लिमिटेड ने 10,000 की चीज 12 की बेची, तो 2,000 का प्रॉफिट एक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी कमाया हुआ है। अब वो प्रॉफिट उसके बैलेंस शीट में जुड़ गया, वहां से उसके नेट एसेट्स में जुड़ गया। अब एक्स लिमिटेड को इन्वेस्टमेंट को नेट एसेट्स पे रिकॉर्ड करना है, तो जानते हो नेट एसेट्स 2,000 से ज्यादा है और वो 2,000 प्रॉफिट ऑलरेडी किसने कमाया हुआ है, एक्स लिमिटेड ने। दिस इज कॉल्ड क्या, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दोबारा समझा रहा हूं सारा, दिस इज कॉल्ड क्या, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये आपको हटाना पड़ेगा। तो ये अपस्ट्रीम है कि डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम है। एक्स ने ए को बेचा, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। सो प्रॉफिट किसने कमाया है, एक्स ने। तो एक्स अपनी बुक से प्रॉफिट को हटाएगा और एंट्री करेगा क्या, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान से देखो, ये 2000 एक्स्ट्रा नेट एसेट्स इन्वेस्टमेंट में जुड़े हैं, तो टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट। तो अनदर आइटम आ गई जो आपको इन्वेस्टमेंट में से माइनस करनी पड़ेगी। समझ आ गया, कंसोलिडेटेड पीएल टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। 2000 नहीं आएगा, 2000 का 25%, क्योंकि आपने ग्रोथ इन नेट एसेट्स का 25% जोड़ना है ना, तो 2000 का 25%। क्लियर हो गई बात? अब मान लो कि इसकी इन्वेंट्री में 4000 ही पड़ा हुआ है, तो फिर पहले आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि उसने 2000 प्रॉफिट कमाया था 12000 के ऊपर, तो 4000 के ऊपर कितना प्रॉफिट बनता है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। भाई आपने 10 की चीज 12 की बेची, उसने 8 की आगे बेच दी, तो बैलेंस शीट में 4 ही पड़ा है, तो फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट प्रोपोर्शनल निकलेगा ना। तो एक्स लिमिटेड ने 2000 कमाया था 12000 के ऊपर, तो 4000 के ऊपर कितना उसका, 25%। सो ये सब इंड एएस 110 में बड़े अच्छे से किया होता है, तो एसोसिएट में हम ज्यादा इस पे समझाते नहीं है। स्टिल मैंने सारे का सारा दोबारा एक्सप्लेन कर दिया कि शायद किसी को 110 याद ही ना हो, तो वो अगर ये करे तो उसको भी समझ में आ जाए। क्लियर हो गई बात? तो 25% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने ग्रोथ इन नेट एसेट्स 25% ही जोड़ना है, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन ही है, और कंसोलिडेशन तो रादर नहीं है, ठीक है ना। अगली बात, अगर उल्टा आ जाए, फॉर एसेट हेल्ड बाय एसेट हेल्ड बाय इन्वेस्टर आ जाए, तो बच्चे कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो सेम है, पर अभी ये इन्वेंट्री किसकी बुक्स में दिख रही होगी, एक्स लिमिटेड की बुक्स में दिख रही होगी। तो अब आपको प्रॉफिट किसने कमाया है, प्रॉफिट कमाया है ए लिमिटेड ने, ए लिमिटेड के प्रॉफिट से अगेन उसके नेट एसेट्स बढ़े हुए हैं, तो P&L तो फिर से आपको डेबिट करना ही पड़ेगा, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट तो फिर से डेबिट होगा, पर इस बार टू क्या होगा, टू इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एंट्री एक्स लिमिटेड डाल रहा है, इन्वेंट्री किसकी बुक्स में है, एक्स लिमिटेड की बुक्स में, तो एक्स एंट्री करेगा टू इन्वेंट्री, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। प्रॉफिट तो आपने बढ़ाया, बिकॉज जैसे ही उसने आपने उसके ग्रोथ को जोड़ा, तो दो एक्स्ट्रा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसके P&L में एड हो रखा था, वो एड हो गया, तो P&L घटाया। दूसरी तरफ इन्वेंट्री घटेगी, अब इन्वेस्टमेंट नहीं घटेगी, इन्वेंट्री घटेगी, बिकॉज ये इन्वेंट्री किसके पास है, इन्वेस्टर के पास है, और कंसोलिडेशन भी कौन कर रहा है, इन्वेस्टर कर रहा है। समझ आ गया? सो ये दो तरह के ट्रांजैक्शन हम इसके अंदर पढ़ते हैं, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन और डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। सो अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, मतलब इन्वेस्टर ने एसोसिएट को बेचा, तो कंसोलिडेटेड P&L टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, तो कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? लिख लीजिए इसको, ये पॉइंट इतने अच्छे से डिस्कस होता है आपका ऑलरेडी इंडिया 110 में।
28 में तो पहले बुक में इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं था, अब तो इंस्टीट्यूट ने चलो डाल दिए हैं, पर इंडिया 28 में बुक में पहले इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं था। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? ओके है जी, सारी की सारी बातें क्लियर है? यस सर। तो इसको आराम से पॉज करके लिख लीजिएगा। कैलकुलेशन मैंने आपको दोबारा समझा दिया, ये सारे कैलकुलेशंस वगैरह हम इंडिया 110 में सिखाते हैं, 28 में तो हम कभी सिखाते ही नहीं, क्योंकि 110 में इतने सारे क्वेश्चन अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर कर रखे होते हैं कि यहाँ अलग से कैलकुलेशन सिखाना नहीं पड़ता। पर यहाँ मैंने दोबारा सिखा दिया है कि अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, प्लस उसके एंट्रीज कैसे करे जाएंगे। सो ध्यान रखना, अगर वो डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है तो आपको इन्वेस्टमेंट में से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है बात, समझ आ गया? दैट्स इट। अब हम बचे हुए क्वेश्चन आपकी बुक से करने को तैयार हैं। तो जो भी न्यू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाले हैं उसमें से अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करने हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बच्चे नए हैं। इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट आने हैं वो सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट हैं जो पहले आपने किए ही नहीं हुए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिए नहीं थे सो पहले हमने किए नहीं थे। आइए जी, सो पहले यहां तक के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, अमेंडमेंट हैंडआउट के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए प्लीज। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर ए लिमिटेड इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000 टू अक्वायर 25% शेयर इन द वोटिंग पावर ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड हैज कंक्लूडेड दैट बी लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड। एट द एंड ऑफ द ईयर बी लिमिटेड अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम ऑफ ₹2,000। इन दैट ईयर बी लिमिटेड ऑल्सो डिक्लेयर डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹4,000, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड टू अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। लो जी, सो आपको जनरल एंट्रीज डाल के दिखानी है टू अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। सो इधर देखिए, कुछ इस तरह का सवाल है। लेट मी ओपन द क्वेश्चन हियर, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर कुछ भी लिख लीजिए, 1/4/2021 को ए लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है 25% हिस्से के लिए, कितना? 1,00,000, ठीक है। और वो कह रहा है ये हमारी एसोसिएट है। एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि ड्यूरिंग द ईयर बी लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया है, कितना? 10,000। उसने ओसीआई कमाया है, कितना? 2,000। और डिविडेंड पेड है, कितना? 4,000। क्वेश्चन कह रहे हैं जनरल एंट्रीज पास कर दो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड टू अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब बच्चे ध्यान से देखो, आप इसमें गुडविल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि गुडविल निकालने के लिए साल के जिस दिन इन्वेस्टमेंट खरीदी थी उस दिन क्या चाहिए? नेट एसेट्स चाहिए। तो ये क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट हो नहीं सकती, वैसे भी उसने मांगी नहीं हुई, ठीक है ना। उसने तो सिर्फ एंट्रीज मांगी है, तो एक इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी, P&L जोड़ने की, OCI जोड़ने की और डिविडेंड पे करने की एंट्री होगी, बस। तो सारी एंट्रीज हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। लिखिए जी, तो इसमें गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी है, कर ही नहीं पाओगे। अगर नेट एसेट दिए हो डेट ऑफ एक्विजिशन पे, अगर नेट एसेट्स दिए हो तो 100% आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्लियर? आइए जी, जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले 1/4/2021 इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। अपना क्वेश्चन को लिखना चाहिए कि ये एंट्री स्टैंड अलोन में मांगी है कि कंसोलिडेटेड में, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ इतना लिखा है पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड टू अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये एंट्रीज कंसोलिडेटेड में करनी है या स्टैंड अलोन में करनी है, कहीं भी नहीं लिखा। तो अजम्पशन ही है कंसोलिडेटेड में ही करनी होती है क्योंकि इंड एज 28 का सम है। बींग इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, ये 1/4/2021 नहीं लिख सकते, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा था, उन्होंने तो कोई डेट दी ही नहीं है। सो नंबर वन एंट्री। नंबर टू, शेयर इन पीएनएल रिकॉर्ड करेंगे 10,000 का 25% 2500, क्या एंट्री करोगे? इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड पीएल 10,000 का 25% 2500 बींग शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट रिकॉर्डेड, बींग शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट रिकॉर्डेड। नंबर थ्री, ओसीआई में उसने 2,000 कमाया है, वो भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड ओसीआई 2,000 का 25% 500 बींग शेयर इन ओसीआई ऑफ एसोसिएट बींग शेयर इन ओसीआई ऑफ एसोसिएट रिकॉर्डेड, ठीक है। और थर्ड, आपको डिविडेंड मिला, मैंने कहा था डिविडेंड को कंसोलिडेटेड पीएल से माइनस करना पड़ेगा, है ना। कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट डेबिट और कहां क्रेडिट करेंगे? इन्वेस्टमेंट में, टू इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। टोटल डिविडेंड कितना है? 4,000। आपको कितना मिलेगा? 4,000 का 25% यानी के 1,000। समझ गए कंसोलिडेटेड पीएल को डेबिट हुआ, क्योंकि आपने देखो ये 2,500 जोड़ा है कंसोलिडेटेड पीएल में, अब उसमें से 1,000 तो आपको मिल गया, तो एक ही चीज दो बार थोड़ा जुड़ी रहेगी, क्योंकि ये तो स्टैंड अलोन में पीएल में जुड़ जाएगा। कंसोलिडेटेड पीएल क्या होता है? स्टैंड अलोन प्लस एसोसिएट का शेयर, तो स्टैंड अलोन में ये 1,000 पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो अब मैंने हटा दिया उसको, 2,500 जोड़ दिया, 1,000 हटा दिया, तो नेट आपका कितना जुड़ गया? 1,500, और 1,500 ही जुड़ना चाहिए बिकॉज 1,000 तो पीएल में पहले जुड़ा हुआ है, तो आप दोबारा कैसे जोड़ सकते हैं? सो कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड बींग डिविडेंड रिकॉर्डेड। नरेशन तो देसी से लिखनी होती है ताकि ना अगले का नंबर देने को दिल करे और ना ही नंबर काटने को, लिखिए जल्दी। सो ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली ऐड किए हैं। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 1 से लेकर 6 तक सारे हो चुके हैं, 15 करने हैं टोटल, पर इसके बाद कॉन्सेप्ट्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा फास्ट। ब्लू लिमिटेड अक्वायर 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ग्रीन लिमिटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर 1,25,000। तो 25% हिस्सा खरीदा है 1,25,000 का। एज ऑफ दैट डेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड वॉज 3 लाख
एंड द फेयर वैल्यू वॉज 4 लाख. लो जी नेट एसेट्स दिए हुए हैं और नेट एसेट्स की बुक वैल्यू भी दी हुई है और नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू भी दी हुई है. सो फेयर वैल्यू 1 लाख ज्यादा है. अब वो बताएगा द एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ओवर कैरिंग वैल्यू वॉज एट्रीब्यूटेबल टू वन ऑफ द बिल्डिंग्स ओन्ड बाय ग्रीन लिमिटेड हैविंग अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स. वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वैसा ही है कि ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा है वो पीपी की वैल्यू कह रहा ज्यादा है, बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा है और जिसकी लाइफ 20 साल है, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन डालनी पड़ेगी. ग्रीन लिमिटेड अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 40,000 एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर. कैलकुलेट द गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. ब्लू लिमिटेड शेयर इन प्रॉफिट. गुडविल निकालनी है, बहुत सिंपल है. फिर ब्लू लिमिटेड का शेयर इन प्रॉफिट निकालना है इन P&L में और OCI में. एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर. सो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बताना है एट द एंड ऑफ द ईयर. सो 3 चीजें सवाल ने आपसे मांगी है. सो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है. आइए जरा एक बार डायग्राम बना के देखते हैं. डायग्राम से बढ़िया समझ में आ जाता है. तो बिगिनिंग T0 और लास्ट T1. सो आपने 25% हिस्सा खरीदा है, कितने पैसे देके? 1,25,000 देके. और इस दिन नेट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट है कितना? 3 लाख. और नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है? 4 लाख. फिर वो एक्सेस कहता बिल्डिंग के कारण है जिसकी लाइफ 20 साल है. ड्यूरिंग द ईयर एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया है कितना? 40,000. और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कमाया है कितना? 10,000. तो सबसे पहले बताना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. लिखिए जी गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. तो बड़ा सिंपल है, इन्वेस्टमेंट हेल्ड बताइए कितना? 1,25,000 माइनस शेयर इन नेट एसेट्स. कैरिंग अमाउंट के फेयर वैल्यू, ऑलवेज फेयर वैल्यू है ना. सो 4 लाख का 25% 1 लाख. सो 1 लाख की चीज का आपने 1,25,000 दे दिया. सो ये आ गई आपकी गुडविल कितनी? 25,000. क्या इसको अलग से रिकॉर्ड करना है? नहीं. फिर और क्या मांगा है? ब्लू लिमिटेड शेयर इन प्रॉफिट एंड OCI. अब क्या 40,000 का 25% रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं. ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा फेयर वैल्यू है इस पे जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगी वो भी तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. सो बी शेयर इन प्रॉफिट एंड OCI ऑफ ग्रीन लिमिटेड. पहले शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ग्रीन लिमिटेड. शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ग्रीन लिमिटेड. तो सीधा बताओ शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 40,000 का 25%. सर आपने तो पूरा रिकॉर्ड कर लिया, कोई बात नहीं, अलग से माइनस कर दूंगा, प्रेजेंटेशन में अच्छा लगेगा. माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन. सर सेविंग भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, कंसोलिडेशन में सेविंग भी बहुत बार आई है. सो 1 लाख एक्स्ट्रा वैल्यू थी, 20,000 लाइफ थी, तो 5,000. 5,000 का 25% 1,250. तो 8,750 आ गया आपका शेयर इन नेट प्रॉफिट. सी शेयर इन OCI ऑफ ग्रीन लिमिटेड. सो ये तो बहुत सिंपल है, OCI में आपने कितना कमाया था? 10,000. उसका 25% 2,500. अब बच्चे है तो सिंपल, पर बात यह है कि पहले किया नहीं हुआ तो सोचो अगर नहीं किया तो ये कैसे होएगा पेपर में, ठीक है ना. 10,000 का 25% 2,500. डी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मांगा है शायद,
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर. सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड. तो बताओ जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 125,000 और उसमें गुडविल कितने की थी 25,000. अब ये लिखना है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 125 और उसमें गुडविल कितनी थी 25 प्लस शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट. एसोसिएट का नाम क्या है, ग्रीन लिमिटेड. कितना निकाला है 8750 प्लस शेयर इन ओसीआई ऑफ ग्रीन लिमिटेड 2500. तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी 125,000 प्लस 8750 प्लस 2500 सो 136,250 136,250. क्लियर है. चलिए लिख लीजिए इसको. पॉज करिए, ऊपर करेंगे. पॉज करिए, ऊपर करेंगे. चलिए सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़िए जी. केएल लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन 50% वोटिंग पावर ऑफ जॉइंट वेंचर एमएन लिमिटेड. सर ये जॉइंट वेंचर कहां से आ गया बच्चे. इंडेस का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर. सो कोई बात नहीं, आप इसको एसोसिएट ही समझिए. अरे इंडेस 111 में पढ़ाया हुआ है ना कि जो जॉइंट अरेंजमेंट दो तरह के होते हैं, एक जॉइंट वेंचर एक जॉइंट ऑपरेशन. जॉइंट ऑपरेशन का ट्रीटमेंट एज पर इंडिया 111 होता है और जॉइंट वेंचर का ट्रीटमेंट होता है एज पर इक्विटी मेथड. बाकी इंडिया 111 में पढ़िए, ठीक है ना. तो इसको आप एसोसिएट की तरह ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. इंस्टीट्यूट ने सोचा सारे सवाल एसोसिएट के दिए हैं जबकि इंडिया का नाम तो एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर है, तो थोड़ा सा मसाला लगाने के लिए जॉइंट वेंचर के क्वेश्चन दे दिए हैं, तो करना एसोसिएट की तरह ही है. एमएन लिमिटेड हैज ऑल्सो इशूड 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर टू अदर इन्वेस्टर्स वर्थ 10,00,000. वो आ गया जो कॉन्सेप्ट लिखवाया था. ड्यूरिंग द ईयर एमएन लिमिटेड अर्न प्रॉफिट ऑफ 4,00,000. एमएन लिमिटेड हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर करंट ईयर. तो चाहे डिविडेंड दिया चाहे नहीं दिया, क्या आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से इसको माइनस करना पड़ेगा. यस, करना पड़ेगा. कैलकुलेट केएल लिमिटेड शेयर इन नेट प्रॉफिट ऑफ एमएन लिमिटेड फॉर द ईयर. सो बच्चे सिंपल है, 4,00,000 प्रॉफिट उसने कमाया है, 10,00,000 का 10%, 1,00,000 का डिविडेंड हो गया, ये माइनस करना ही करना है वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, और उसका 50% हिस्सा आपका है, तो 1,50,000 रुपए आपका आंसर होगा और यही आंसर उन्होंने निकाला हुआ है. सो ये हमें करने की जरूरत नहीं है. ये देखो लिखा हुआ है इफ एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर. बच्चे जो जो बात एसोसिएट पे लगती है वो बात जॉइंट वेंचर पे भी लगती है, बिकॉज इंडिया का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर. हमने इंडिया 111 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर में लिखवाया हुआ है, रेफर इंडिया 28. तो इंडिया 28 में आप जो जो भी पढ़ते हैं वो एसोसिएट के ऊपर भी लगता है और साथ में वो जॉइंट वेंचर के ऊपर भी आपका एप्लीकेबल है.
इफ एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर हैज आउटस्टैंडिंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय पार्टीज अदर देन द एंटिटी आर क्लासिफाइड एज इक्विटी द एंटिटी शुड कंप्यूट इट शेयर और प्रॉफिट और लॉस आफ्टर एडजस्टिंग फॉर डिविडेंड ऑन सच शेयर्स वेदर और नॉट डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड। सो इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, सो इसको हम लिखेंगे नहीं बिकॉज कुछ भी छोटा सा सवाल है। हाँ, एक काम करते हैं, जहां ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है उसके नीचे हम लिख देते हैं, यहां लिखो पॉइंट नंबर 8 के साथ रेफर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ अमेंडमेंट हैंडआउट। सो हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 9 आपको रेफर करना है, रेफर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ अमेंडमेंट हैंडआउट। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया जी। सो इसमें तो कुछ भी नहीं था। सो इम्पेयरमेंट वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, अभी इसमें नहीं है, वो पहले से ही किए हुए अपने। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के ऊपर एक सम है, आइए अब उस सम को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 सिनेरियो ए, कोशिश करूंगा यहीं से करा दूं। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको तो यहीं से ही कर सकते हैं ना। M Limited has invested in 40% share capital of N Limited and hence N Limited is an associate of M Limited. During the year N Limited sold inventory to M Limited for a value of 10 lakh upstream. एक M Limited है, एक N Limited है। M Limited ने N Limited में 40% हिस्सा खरीदा है तो N हो गया एसोसिएट और M हो गया कौन, इन्वेस्टर। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर N लिमिटेड ने सेल करी है M लिमिटेड को इन्वेंट्री की, कितनी, 10 लाख। दिस इंक्लूडेड प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस दैट इज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। तो प्रॉफिट कितना है इसके ऊपर, 1 लाख, मतलब कॉस्ट होगी 9 लाख। आउट ऑफ द अबव इन्वेंट्री एम लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री ऑफ 6 लाख टू आउटसाइड कस्टमर, हेंस द इन्वेंट्री ऑफ 4 लाख परचेज फ्रॉम एन स्टिल लाइंग इन एम लिमिटेड। सो एम लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिख रही है कितनी, 4 लाख। तो बताओ अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख का 10% इंटू 40%। प्रोपोर्शनेट शेयर लेना है ना, तो 40,000 का 40% कितना, 16,000। डिटर्मिन द अनरियलाइज प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड ऑन सच ट्रांजेक्शन, तो वो 16,000 है। एंट्री क्या होगी ये बताओ, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। इन्वेंट्री किसकी बुक्स में है, एम लिमिटेड की बुक्स में। तो M Limited कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या एंट्री डालेगा, डेबिट तो वही करना है क्योंकि प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कंसोलिडेटेड PL अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री कितने से, 16,000। M Limited की बुक्स में इन्वेंट्री है, उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जुड़ा है तो उसी को हटाऊंगा, डेबिट किसको करूंगा, प्रॉफिट को, बिकॉज प्रॉफिट किसने कमाया है, N Limited ने, N Limited ने, N for North है ना। और उसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट जुड़ा है तो उसके नेट एसेट 16,000 से ज्यादा है, तो उसके नेट एसेट जब मैंने अपने में जोड़े मेरा PL 16 से बढ़ गया तो PL भी हटाना पड़ा। तो ये देखो जी एंट्री आ गई, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ N Limited अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। यहां कंसोलिडेटेड PNL भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, हम कॉपी पे नहीं करेंगे इसको। कंसोलिडेटेड PNL अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री कितना, 16,000। समझ में आ गया। सर ये ऊपर क्या है, देख लेते हैं ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एन लिमिटेड टू शेयर। अच्छा वो कह रहा है वो 40,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा ना, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये फालतू का ज्ञान दे रहा है आपसे, उसने अनरियलाइज प्रॉफिट मांगा है बस। और अनरियलाइज प्रॉफिट ये है 40,000 और M का शेयर कितना आ गया, 16,000। मैं ना करा ही देता हूं इसमें, ये पता नहीं क्या फालतू के ज्ञान देते रहते हैं। तो सिनेरियो ए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट
4 लाख का 10% इंटू 25% 16,000 जर्नल एंट्री इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री 16,000। बच्चे आप सारे नेट एसेट्स नहीं जोड़ते ना, नेट एसेट्स का 25% जोड़ते हो, तो मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट एन ने कमाया है उसका 25% आपने जोड़ा, वो 25% मैंने हटा दिया। बीइंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेटेड, बीइंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेटेड। अब इसका एक सिनेरियो बी भी है। सिनेरियो बी, अज्यूम द सेम फैक्ट्स एज पर सिनेरियो ए एक्सेप्ट दैट द इन्वेंट्री सोल्ड बाय एम टू एन। अब एम ने एन को बेचा है डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ एन लिमिटेड सेलिंग टू एम। डिटर्मिन द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट टू बी एलिमिनेटेड। सो सिनेरियो बी, सिनेरियो ए कौन सा था? डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, अपस्ट्रीम सॉरी, है ना। सिनेरियो ए अपस्ट्रीम का था ना, एन ने बेचा था। सिनेरियो बी किसका है? डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। वो कह रहा मान लो एम ने एन को बेचा है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो बच्चे फिर उतना ही है 16,000 ही। बताओ अब एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट 16,000। उसने एक ही क्वेश्चन में दोनों कराने थे तो उसने अपस्ट्रीम भी उसी में डाल दिया और डाउनस्ट्रीम भी उसी में ही डाल दिया। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, डाउन अपस्ट्रीम के केस में इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, डाउनस्ट्रीम के केस में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगी। लॉजिक आपको दे दिया है। चलिए लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। सो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि एक क्लास इस पे और पूरी लगेगी जी 3 घंटे की। अभी नए कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, इंस्टीट्यूट ने और भी इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया है, तो उसको भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। रादर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके December 21 और आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए सो आज की बातें यही खत्म, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।